हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, डिस्क प्लाउ। ओके फ्रेंड्स, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड मोल्ड वोल्ड प्लाउ। वी यूज सम कॉन्सेप्ट ऑफ मोल्ड वोल्ड प्लाउ लाइक फोर्स एनालिसिस। ओके, बट हियर वी हैव डिफरेंट मेथड टू रिप्रेजेंट forces acting on disc plow. So dear students, we start. In this session we are going to cover theory, concept for numerical problems and some previous year agriculture gate problems. Okay, अगर देखा जाए तो आपको देख लीजिए कितना कंटेंट आपको कवर करना है। ये सारे कंटेंट हैं, एक बार आपको जो है ना ओवरव्यू हो जाए, इन सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, अप्रॉक्स आपको 2.5 आवर्स इसमें लगेंगे। थोड़ा बहुत घट बढ़ सकता है, बट इतना जो है ना क्लास का ड्यूरेशन होगा। मैं ट्राई करूंगा और पहले फिनिश हो जाए, बट आफ्टर दिस लेक्चर यू हैव साउंड नॉलेज ऑफ डिस्क प्लाउ, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम इट्स इंट्रोडक्शन, द एक्शन ऑफ concave disc implement is somewhat similar to the action of mold wheel plow bottom, in that the soil is lifted, pulverized, partially inverted and displaced to one side. Function of both mold wheel plow and disc plow are almost similar. Mold wheel plow soil kya hota hai, cut hota hai, lift hota hai, invert hota hai, okay, and displaced in one side, similarly in the disc plow. But here we have some advantages over mold wheel plow, so that we prefer disc implement. Okay, the disc plow offers less friction to furrow slice due to rolling plow bottom instead of sliding bottom as in mold wheel plow bottom. तो यहां पर जो आपको एडवांटेज दिख रहा है क्या है, यहां हेयर वी हैव अ रोलिंग डिस्क इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग मोल्ड बोर्ड प्लाउ बॉटम। इन केस ऑफ स्लाइडिंग मोल्ड बोर्ड प्लाउ बॉटम देयर विल बी अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस फोर्स ओके ऑन द प्लाउ बॉटम, बट हियर ड्यू टू रोलिंग मोशन ऑफ द डिस्क जो रेसिस्टेंस है फॉरो स्लाइस के द्वारा ऑफर किया हुआ वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, डिस्क इंप्लीमेंट कैन कट थ्रू क्रॉप रेसिड्यू, विल रोल ओवर रूट्स एंड अदर ऑब्स्ट्रक्शन एंड कैन बी ऑपरेटेड इन नॉन स्कोरिंग सोयल बाय यूजिंग स्क्रैपर्स। ये भी एडवांटेज है डिस्क इंप्लीमेंट का कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो उसके ऊपर ये रोल कर जाएगा। ओके, और इस प्रकार जो है ना पावर रिक्वायरमेंट ऐसे फील्ड ऑपरेशन में भी हमारे लिए यहां पर लेस होगा। तो ये सारे प्रॉब्लम है, वहां पर क्या हो सकता है, स्टॉप भी हो सकता है ड्यू टू रिजिड फॉर्म ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ मोल्ड वोल्ड प्लाउ, जाकर उसमें स्टक कर गया, पूरी ट्रैक्टर स्टॉप हो सकती है। बट इन द केस ऑफ डिस्क प्लाउ इट कैन रोल ओवर हार्ड ऑब्स्ट्रक्शन, ये एडवांटेजेस आपको मिलने वाला है। फ्रिक्शन रिड्यूस हो गई, यू विल गेट अ प्रॉपर स्कोरिंग क्वालिटी इन डिस्क प्लाउ। स्कोरिंग इज प्रॉपर्टी ऑफ अ फरो स्लाइस दैट कैन इजिली स्लाइड ओवर प्लाउ बॉटम। तो जैसे कि अगर आपका स्टिकी लूज सॉइल है, उसमें स्टिक कर जाता आपके प्लाउ बॉटम से सॉइल,
तो यहां पर रोलिंग होने की वजह से आपको ये एडवांटेज मिलेगा, बेटर स्कोरिंग। सो डिस्क प्लाउ कैन स्कोर इजिली इन लूज एंड स्टिकी सॉइल, बट इन केस ऑफ मोल्ड बोल्ड प्लाउ वहां पर क्या हो जाएगा, बिल्टअप हो जाएगा या प्रॉपरली सॉइल जो है ना स्कोर नहीं करेगा। तो मोस्ट ऑफ द केस में मोल्ड बोल्ड प्लाउ को प्लास्टिक से जो है ना हम लोग कवर्ड कर देते हैं इन ऑर्डर टू गेट बेटर स्कोरिंग प्रॉपर्टी। थोड़ी सी मेरी तबीयत वीक है, वो एनर्जी नहीं आ पा रहा है मुझे, बट आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस सेशन लाइक प्रीवियस लाइव सेशन। ओके, डिस्क इंप्लीमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, डिस्क प्लाउ एंड डिस्क हैरो, डिस्क प्लाउ एंड डिस्क हैरो। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्क प्लाउ को प्रॉपर वे में लर्न करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा वो डिस्क हैरो का होगा, बहुत आर इम्पॉर्टेंट। डिस्क हैरो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। डिस्क प्लाउ एंड डिस्क हैरो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्क इंप्लीमेंट्स। ब्लेड्स ऑन डिस्क हैरो एंड डिस्क प्लाउ आर कॉनकेव, ब्लेड्स आर सेम, यूजुअली रिप्रेजेंटिंग सेक्शन ऑफ हॉलो स्फीयर्स। ओके, दिस इज लुकिंग लाइक अ सेक्शन ऑफ हॉलो स्फीयर। हियर वी हैव, ओके, दिस इज लाइक अ डिस्क, या खुद ही करा होगा, है ना, मैंने बनाया है एक मॉडल, बिकॉज हमें थोड़ा फोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए मैंने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। ब्लेड्स ऑन डिस्क हैरो एंड डिस्क प्लाउ आर कॉनकेव, यूजुअली रिप्रेजेंटिंग सेक्शंस ऑफ ऑल स्फीयर्स। डिस्क प्लाउ मूव ऑल द सॉइल टुवर्ड द सेम साइड, डिस्क प्लाउ मूव ऑल द सॉइल ऑन द सेम साइड, सेम साइड, वेयर एज डिस्क हैरो हैव अपोजिंग गैंग दैट मूव द सॉइल इन अपोजिट डायरेक्शन। देखेंगे ऐसे भी हमें गैंग, ये डिस्क हैरो को प्रॉपर वे में एक एडिशनल टॉपिक में हम लेक्चर में हमें फिनिश करना है। तो ये आपका जो है ना बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पर जो है ना क्या होते हैं कि इंडिविजुअल डिस्क सिंगल सिंगल स्टैंडर्ड और एक्सल के साथ फ्रेम से अटैच होते हैं, देखेंगे। बट हियर इन केस ऑफ डिस्क हैरो नंबर्स ऑफ डिस्क आर माउंटेड ऑन अ सिंगल एक्सल, ओके, और वो गैंग आपका कहलाता है, एक गैंग हो गया। तो इस प्रकार जो है ना वहां पर सॉइल जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव अपोजिंग गैंग इन ऑर्डर टू मूव सॉइल इन अपोजिट डायरेक्शंस। बट इन केस ऑफ डिस्क प्लाउ, लेट अस विल सी इन द नेक्स्ट लाइव, आई हैव वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव इंडिविजुअल डिस्क ऑन ईच स्टैंडर्ड, दीज आर स्टैंडर्ड एंड दे आर कनेक्टेड टू फ्रेम, ओके, सो वी कैन चेंज देयर एंगल ऑफ टिल्ट एंड डिस्क एंगल इंडिविजुअली, ओके। डिस्क हैरो में देखेंगे तो ये आपका जो ना डिस्क प्लाउ हुआ, आइए प्ले करके देख लेते हैं वीडियो को, आपको क्लियर हो जाएगा, आइए प्ले करके देख लीजिए। सॉइल इज डिस्प्लेस्ड इन वन साइड, ओके, डिस्प्लेसिंग, देखिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट सॉइल का, देखिए एक ही साइड में सारे सॉइल थ्रो हो रहे हैं। ये आपके जो है स्टैंडर्ड हो गए, डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड हो गए एंड दे आर कनेक्टेड विथ अ सिंगल फ्रेम। तो इंडिविजुअल आपके डिस्क है सिंगल सिंगल स्टाव एक्सल और स्टैंडर्ड के साथ अटैच है, ये आपका जो है ना डिस्क प्लाउ हो गया, दिस इज डिस्क प्लाउ। एंड दिस इज हैरो एंड दिस इज ऑफसेट टाइप ऑफ हैरो। यहां पर आप देखेंगे जो गैंग कहलाते हैं ये आपके जो है ना फ्रंट गैंग हो गए या रियर गैंग हो गया, रैंक गैंग क्या हो गया, नंबर्स ऑफ डिस्क आर माउंटेड ऑन सिंगल बोल्ट, एक ही बोल्ट पर जो है ना नंबर्स ऑफ एक्सल बोलिए बोल्ट बोलिए उस पर जो नंबर्स ऑफ जो है ना डिस्क माउंटेड है, ओके, सबकी स्पीड एक होगी क्योंकि एक ही शाफ्ट से सब बंधे हुए हैं और शाफ्ट जब रोटेट होगा तो सबकी स्पीड सेम होगी, ओके। यहां पर जो है ना टिल्ट एंगल का प्रोविजन नहीं होता, वी कैन प्रोवाइड ओनली डिस्क एंगल, बट हियर ड्यू टू इंडिविजुअल माउंटिंग्स ऑफ डिस्क ऑन अ सेपरेट सेपरेट
एक्सेल वी कैन चेंज टिल्ट एंगल डिस्क एंगल इंडिविजुअली, बट हियर वी हैव नो सच टाइप ऑफ प्रोविजन. ऑल डिस्क आर माउंटेड ऑन अ सिंगल एक्सेल और बोल्ट एंड इट इज कॉल्ड अ गैंग. तो यहां पर जो है टिल्ट नहीं करा सकते, हार्ड डिस्क एंगल प्रोवाइड करा दिया जा सकता है ये गैंग को रोटेट करके, लेकिन यहां पर डिस्क को आप जो है ना रोटेशन पॉसिबल है, टिल्टिंग एंड रोटेशन दोनों पॉसिबल है. देखेंगे एक एक चीज हम देखेंगे, पॉइंट आप लोग रीड करते चलिए. ब्लेड्स ऑन डिस्क हैरो एंड डिस्क प्लाउ आर कनकेव यूजुअली रिप्रेजेंटिंग सेक्शन ऑफ हॉलो स्पीयर्स. डिस्क प्लाउज मूव ऑल द सॉइल टू द सेम साइड. अभी जस्ट मैंने फर्स्ट वीडियो में देखा था, डिस्क प्लाउ मूव ऑल द सॉइल्स टू द सेम साइड वेयर डिस्क हैरो हैव अपोजिंग गैंग्स दैट मूव द सॉइल इन अपोजिट डायरेक्शंस. ओके, अब यहां देखिए आपके पास अपोजिंग गैंग्स, ये जो है ना फ्रंट गैंग है, फ्रंट गैंग डिस्क ऑफ फ्रंट गैंग थ्रो ऑल द सॉइल ऑन राइट साइड इफ यू व्यू फ्रॉम रियर साइड. तो राइट साइड में सारे सॉइल को फेंकेगा और उधर से सॉइल को कलेक्ट करके ये वाला जो है ना इस साइड में फेंकेगा. तो हेयर वी हैव टू अपोजिंग गैंग्स. सो सॉइल इज मूविंग इन टू अपोजिट डायरेक्शन. यहां पर आपको दो, फ्रंट वाला उधर फेंकेगा, रियर वाला उसको कलेक्ट करके फिर वही जगह पर ला देगा. भाई इधर से कट करके सॉइल को उधर उस साइड में फेंका गया और उधर से सॉइल को रियर वाले जो है ना कट करके इधर लाए. तो रियर वाला जो ना क्या हो रहा है कि जो टिल्ड सॉइल है उसकी एक बार और टिलिंग कर रहा है. ओके, फ्रंट वाले ने जो कर दिया है उसको एक बार और कर रहा है. सो हेयर वी हैव अ स्मॉल सॉइल क्लॉट्स. जो सॉइल के साइज होंगे, जो क्लॉट साइज होंगे कटेंगे उसके साइज छोटे छोटे होंगे. ओके, तो ये आपका डिफरेंस दिखा डिस्क प्लाउ एंड डिस्क हैरो में. जो एलिमेंट्री यूनिट है वो तो सेम ही है, बट माउंटिंग अरेंजमेंट डिफरेंट है. यहां पर इंडिविजुअल आपके इनके एक्सेल है, बट हियर ये जो रियर व्हील के जो रियर गैंग के जो जितने सारे डिस्क है सब एक ही पर माउंटेड है, सबकी एंगल डिस्क एंगल सेम होगी. फ्रंट की भी सब जितने फ्रंट गैंग पर लगे हुए डिस्क है सबकी जो है ना डिस्क एंगल सेम होगी. ओके, सब जो है ना सेम ही मोशन को फॉलो करेगा. यहां पर हर चीज आपको सेम दिख रहा है. तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया. देखेंगे हमारा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसमें देखेंगे. यहां पर आप देखिए ये आपका हो गया टैंडम डिस्क हैरो. आपके जो है डिस्क हैरो, सिंगल एक्टिंग डिस्क हैरो, टैंडम डिस्क हैरो, ऑफसेट डिस्क हैरो. तो लास्ट में हमने क्या आपको एग्जांपल दिया था, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑफसेट डिस्क हैरो एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टैंडम डिस्क हैरो. तो आपके फ्रंट दो गैंग हो गए, रियर दो गैंग हो गए, टू गैंग्स, टू फ्रंट गैंग्स एंड टू रियर गैंग्स. तो फ्रंट वाला क्या करेगा, सॉइल को ऐसे फेंकेगा, दोनों रियर वाले सॉइल को वापस फिर जाके उस जगह पर ला देंगे. ये हमारा डिस्क हैरो है, गैंग होते यहां पर, वहां स्टैंडर्ड होता. इंडिविजुअल डिस्क इज कनेक्टेड विथ इच स्टैंडर्ड. यस, डिस्क प्लाउ. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्क प्लाउ से. डिस्क हैरो हम लोग बाद में देखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लाइव सेशन होगा उसमें हम लोग डिस्क हैरो देखेंगे. बट इन टुडेस लाइव सेशन वी हैव अ डिस्क प्लाउ. इट इज प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट विथ एन इंडिविजुअल डिस्क इज कनेक्टेड टू स्टब एक्सेल. आई विल शो स्टब एक्सेल इन द नेक्स्ट स्लाइड. यहां पर आपके ये डिस्क जो है ना सब कनेक्टेड है. ओके, यहां पर आपको देखेंगे, यहां दिखाई दे रहा है ना आपको, बोल्टेड है, यहां से एक्सेल से कनेक्टेड है सब, स्टब एक्सेल.
The disc angle and tilt angle are subjected to change in disc plow. Here we have provision to change disc angle and tilt angle individually as compared to disc arrow. वहाँ पर केवल tilt angle नहीं होता, disc angle ही होता है. Tilting possible नहीं है. यहाँ हमारे पास tilting भी possible. Individual disc को हम tilt भी कर सकते हैं from a vertical line. The field after plowing with disc plow results in large cloud, large soil clods, and uneven topography. जो soil clod size होंगे इसमें बड़े बड़े होंगे. This is primary tillage implement. Types of disc plow. A standard disc plow. Vertical disc plow, reversible disc plow. आइए जरा देखते हैं standard disc plow. A standard disc plow consists of number of individually mounted inclined disc blades on a frame. Yes. ढेर सारे हैं ना आपके पास number of individually mounted inclined disc blades to frame. तो ये ढेर सारे आपके अलग अलग. Disc plow are most suitable for condition under which moldable plow don't work satisfactorily, such as in hard, dry soil, sticky soil, where moldable plow will not score. Scoring is a property during operation where furrow slice can easily move or flow over the plow bottom. Okay. तो यहां पर क्या हो रहा है, डिस्क रोलिंग है. सो हियर इट कैन इजिली स्कोर इन दिस केस. यहां पर बिल्ट अप नहीं होगा और ना ही स्टिकिंग पॉसिबल है. लेकिन मोल्डेबल प्लाव में ये प्रॉब्लम है. मोल्डेबल प्लाव में इस कंडीशन में जैसे कि आपका स्टिकी और लूज सॉइल लाइक पीट लैंड, वहां पर आपको प्रॉब्लम दिखेगा या क्लॉगिंग प्रॉब्लम या जो है ना लेस स्कोरिंग प्रॉब्लम. स्कोरिंग मींस जो फरो स्लाइस है वो इजिली प्लाव बॉटम पर स्लाइड होते हुए निकल जाए. तो ये डिस्क प्लाव में बेटर वे में पॉसिबल है कि नहीं. डिस्क प्लाव में ये स्कोरिंग बेटर वे में अचीव की जाती है. ओके ये आपको ध्यान में रहना चाहिए मेरे भाई. Disc plow are most suitable for condition under which moldable plow don't work satisfactorily, such as in hard, dry soil. In case of hard and dry soil, moldable plow will experience huge resistance by furrow slice. Yes. But due to rolling motion in disc plow bottom, here we have less friction in this condition. So it is best performing in such type of soil as compared to moldable plow. Okay. In case of sticky soil where moldable plow will not score properly, but it can score easily due to having rotating motion. Okay. And in loose soil such as peat land without much clogging, वहां पर क्लॉगिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. आकर जो है ना सब प्लाव बॉटम पर ही आ जाएंगे. शार्पनेस प्लाव बॉटम की रिड्यूस हो जाएगी. फ्लो जो है ना जो न्यू और फ्रेशली कट जो सॉइल है उसकी उसके पाथ में ऑब्स्टेकल आ जाएगा क्लॉगिंग की वजह से. बट हियर वी हैव अ लेस प्रॉब्लम ऑफ क्लॉगिंग स्कोरिंग एंड फ्रेंड्स इट एक्सपीरियंस लेस फ्रिक्शन. सो इट विल रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ ड्राफ्ट एज कंपेयर टू मोल्डेबल प्लाव. मोल्डेबल प्लाव ऐसे भी साइड कर दिया गया है, उसके जगह पर ये आ चुका है. अच्छा परफॉर्मिंग है ये, बेस्ट परफॉर्मिंग है. ओके स्क्रैपर इट कवर्स ट्रैश एंड प्रिवेंट सॉइल बिल्डअप ऑन द डिस्क इन स्टिकी सॉइल. ये जो आपको दिख रहा है ना दिस इज स्क्रैपर. इट कवर्स जो ट्रैसेस है उसको कवर करने में हेल्प किया, आपको डाउन कर दिया है ना. यहां से आएगा तो टर्निंग कराने में हेल्प करेगा. तो जो टॉप लेयर है ट्रेसेस है वो इजिली इन्वर्ट हो जाएगा इसकी हेल्प से और फिर जो है ना फॉरो स्लाइस उसको ढक देगा.
और साथ ही साथ जो है ना ये सॉयल बिल्डअप को भी स्टॉप कर रहा है कि वहां पर आकर जो है ना आप बिल्डअप ना हो, इजीली मूव करते चला जाए, सबको काट के हटाता चला जाएगा। फरो विल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन ट्रैक्टर माउंटेड डिस्क प्लाउ, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस फरो व्हील दिस प्लाउ बॉटम एब्जॉर्ब्स साइड फोर्स। यस, साइड फोर्स भी लगेगा। तो साइड फोर्स यहां वहां पर तो क्या था, इन केस ऑफ मोल्ड वुड प्लाउ वी हैव लैंड साइड, और वो क्या होता है फॉरो वॉल से चिपक के चलता, और जो भी साइड फोर्स लगता है विद द हेल्प ऑफ फॉरो वॉल लैंड साइड प्रोवाइड्स रिएक्शन फोर्स। तो इस प्रकार जो है ना वहां पर लैटरल डायरेक्शन में स्टेबिलिटी थी, बट इन ऑर्डर टू गेट स्टेबिलिटी इन द लैटरल डायरेक्शन हियर वी हैव फॉरो वॉल फॉरो व्हील। तो ये फॉरो व्हील की हेल्प से जो साइड फोर्स लगेगा, यहां पर ये क्या करेगा, एक फॉरो वॉल क्रिएट करता जाएगा, उसी के अंदर ये रोल करता हुआ जाएगा। तो इस प्रकार धसा हुआ कोई चीज है तो उसको मूव कराना डिफिकल्टी होगी। तो इस प्रकार जो ना जैसे इस डायरेक्शन में आपको ट्रेवल हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में प्लाव को मूव नहीं करने देगा ये। तो इस तरह जो है फॉरो व्हील रोल प्ले करने जा रहा है यहाँ पर। सिमिलर फंक्शनैलिटी है जैसा कि लैंड साइड प्ले कर रहा था आपको मोडबल प्लाव में। मोडबल प्लाव के केस में भी हम लोग फॉरो व्हील यूज करते हैं। फॉरो व्हील डिस्क प्लाव एब्जॉर्ब्स साइड फोर्स थ्रू दिस व्हील बियरिंग। डियर स्टूडेंट्स हियर वी हैव एक्सियल थ्रस्ट फोर्स, एक्सियल थ्रस्ट फोर्स ड्यूरिंग प्लाइंग ऑपरेशन। सो वी नीड टू प्रोवाइड एक्सियल थ्रस्ट बियरिंग एंड दिस इज अ बेस्ट बियरिंग, टेपर्ड रोलर बियरिंग। दिस इज टेपर्ड रोलर बियरिंग, रोलिंग एलिमेंट इज रोलर। इट हैज बेटर एक्सियल थ्रस्ट कैरिंग कैपेसिटी बिकॉज इन द केस ऑफ डिस्क प्लाउ एक्सियल थ्रस्ट फोर्स इज एक्टिंग इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन एक्सियल डायरेक्शन एंड टू फैसिलिटेट इट्स रोटेशन वी रिक्वायर बियरिंग दैट हैव बेटर एक्सियल थ्रस्ट कैरिंग कैपेसिटी। वी यूज टेपर्ड रोलर बियरिंग टू माउंट दिस डिस्क प्लाउ विथ स्टब एक्सल। दिस इज स्टब एक्सल। तो ये आपका हो गया, दिस इज स्टब एक्सल एंड डियर स्टूडेंट्स एंड इट इज कनेक्टेड विथ फ्रेम। डिस्क को हमने इससे फिक्स किया, बियरिंग लगाया और रोटेशन यहां पर पॉसिबल है। डिस्क इट इज अ सेक्शन ऑफ फॉरो स्पीयर यूज फॉर कटिंग पल्वराइजिंग इन्वर्टिंग द फॉरो स्लाइस। सेम फंक्शनलिटी लाइक मोल्ड बोल्ट प्लाउ, कटिंग लिफ्टिंग इन्वर्टिंग पल्वराइजिंग। स्टब एक्सल इट हैज सिंगल डिस्क, दिस इज स्टब एक्सल सिंगल डिस्क। सो इट अलाउज इस डिस्क टू मूव इंडिपेंडेंटली। एक ही डिस्क है सो इट कैन अलाउ इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ इट्स डिस्क। डियर स्टूडेंट्स हियर वी हैव टिल्ट एंगल एंड डिस्क एंगल, ज्योमेट्री रिलेटेड विथ डिस्क इंप्लीमेंट। दिस इज टिल्ट एंगल एंड दिस इज डिस्क एंगल। ये आपको फेसिंग करता हुआ, दिस इज फेस ऑफ डिस्क। एंड फ्रेंड्स हियर फेस इज एग्जैक्टली वर्टिकल एंड दिस इज लाइन लाइंग इन द फेस ऑफ डिस्क। सो दिस इज वर्टिकल लाइन एंड नाउ वी टिल्ट द फेस ऑफ
डिस्क प्लाउ, द एंगल ऑफ डिस्क, द एंगल ऑफ टिल्टिंग इज कॉल्ड टिल्ट एंगल। ये आप जो दिख रहा है ना, ये एंगल, जो ये एंगल दिखा था जितना हमने इसे टिल्ट कराया था ना, तो आइए ये आपका जो ना टिल्ट एंगल कराएगा। अब आपको दिखेगा ऐसे में, दिस इज वर्टिकल लाइन एंड डिस्क इज टिल्टेड फ्रॉम वर्टिकल लाइन, दिस एंगल ऑफ टिल्ट इज कॉल्ड, ओके, इट इज द एंगल बाय विच फेस इज टिल्टेड बैकवर्ड टू अ वर्टिकल लाइन, इट वेरीज बिटवीन 15 to 25 degree, डिस्क एंगल। डियर स्टूडेंट्स, हियर डिस्क इज फेसिंग लाइक दिस, ओके, ऐसे फेस है इसकी, एंड सपोज दिस इज लाइन ऑफ ट्रेवल, एक्चुअली दिस इज नॉट ओरिएंटेशन ऑफ द डिस्क ड्यूरिंग ऑपरेशन, दिस इज लाइन ऑफ ट्रेवल। सपोज आई एम जस्ट सेटिंग दिस डिस्क प्लाउ, इनिशियली दिस इज फेसिंग लाइक दिस, बट दिस इज नॉट एक्चुअल ऑपरेशन। इफ यू मूव दिस डिस्क प्लाउ अलॉन्ग द लाइन ऑफ ट्रेवल, यू विल नॉट गेट रोटेशन इन दिस डिस्क। एंड फ्रेंड्स, डिस्क प्लाउ इज रिप्लेसिंग नाउडेज मोल्ड बोल्ड प्लाउ ड्यू टू इट्स रोटेशनल मोशन, बिकॉज रोटेशन provides better scoring, less friction in hard and dry soil, and less problem of clogging of soil in case of peatland. Okay, peatland operation. So dear students, here we require rolling of this disc because this rolling is providing additional advantages over mold world plow. So इसको हमें cast करना है, तो इसको cast करने के लिए this is not a way in which we pull the disc plow. ऐसे नहीं खींचेंगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ऐसे नहीं खींचेंगे। इट मींस हियर दिस इज हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ फेस। फ्रेंड्स, फेस मींस दिस इज सर्कल एंड दिस इज अ प्लेन पासिंग थ्रू इट्स पेरिमीटर। तो ये इस मैं फेस, इसको फेस बोल रहा हूं, ये हमारा फेस है, दिस इज फेस, दिस प्लेन इज having circumference of this disc, तो ये हमारा जो ना फेस हो गया, this is horizontal diameter of disc face, and dear students, this is line of travel, so here angle is 90 degree, so it is not advantageous to use disc plow like this, in this geometry we don't use disc plow. In order to get advantages over mold world plow, otherwise ये क्या होगा, slip, ये sliding की तरह काम करेगा ऐसे, तो इससे better तो हमारा MB plow था, उसमें हमारे पास shear भी था, shear point भी था, cutting edge भी था, okay, और twisted mold world भी था जो invert कर रहा था, यहाँ पर तो सब उल्टा हो जाएगा, okay, तो इसलिए स्क्रैपर भी हम प्रोवाइड करते हैं ना इसमें, तो ऐसे ओरिएंटेशन में अगर आप यूज कर रहे हैं डिस्क प्लाउ को, तो ये तो और वर्स्ट जो है ना प्लाउ हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब ये देखिए, दिस इज हॉरिजॉन्टल डायमीटर इन डिस्क फेस एंड दिस इज लाइन ऑफ ट्रेवल, बट दिस इज नॉट अ वे फॉर द ऑपरेशन ऑफ डिस्क प्लाउ। क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए, ध्यान दीजिएगा मैं करने क्या जा रहा हूं, ये लाइन वही है, ये है ना वही, अब इसको मैंने टिल्ट कर दिए ये, तो अभी आप क्या देखा आपने, इतना एंगल जो दिखा ना आपको, मैंने टर्न किया ना, देखिए अभी ओरिजिनल में ऐसे था ये, लेकिन ऐसे यूज नहीं करते हम लोग, कैसे यूज करते, ऐसे यूज नहीं करते, ऐसे टर्न करेंगे, तो जरा दिखाता हूं क्या किया मैंने, अभी टर्न किया, टर्न है ना ऐसे, तो अब जो है ना फेस हमारा कैसे हो गया दिया स्टूडेंट्स, ऐसे हो गया फेस हमारा, एंगल बना रहा है, आप देख लीजिए, आप इस वाले लाइन को रिमेम्बर रखिए, इस वाले लाइन को, इस वाले को रखिएगा अभी, अब मैं दूसरा लेके आ रहा हूं ना, अपने पास ढेर सारे हैं, तो क्या हो गया, अब फेस जो है ना हमारा टर्न हो चुका है, देखिए ये लाइन को याद रखिए, उस इनिशियली इसके फेस में था, अब इसको हमने क्या कर दिया है, टर्न कर दिया है, किससे, तो इसी से टर्न किया होगा ना, तो आप देख लीजिए ये आपको टर्निंग दिख रहा है, ये दिख रहा है ना,
देखिए है ना, तो ये टर्न कर दिया गया एंड डियर स्टूडेंट्स, और ये आपका लाइन ऑफ ट्रेवल था। तो हियर जो ये एंगल बन रहा है, ये जो लाइन जो डायमीटर इस फेस में है, वो अब एंगल जो बना रहा है लाइन ऑफ ट्रेवल से, दैट इज कॉल्ड डिस्क एंगल। ओके, अब ये देखिए, अब कैसे हो गया ये, दिस इज हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ फेस इन रोटेटेड कंडीशन, और इसके बीच और जो है ना लाइन ऑफ ट्रेवल के बीच में जो एंगल है वो आपका डिस्क एंगल है। इनिशियली क्या था ये, इनिशियली 90 डिग्री था, लेकिन अब जैसे ही टर्न कर दिया हमने इसको, इनिशियली कैसे था यहां से भी आपको बहुत क्लियरली दिखेगा। ये देखिए, दिस इज लाइन ऑफ ट्रेवल, दिस इज लाइन ऑफ ट्रेवल, ऐसा नहीं यूज करते लेकिन अभी मैं ले रहा हूं, दिस इज लाइन ऑफ ट्रेवल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल डायमीटर इन फेस, दिस इज हॉरिजॉन्टल डायमीटर इन फेस एंड दिस इज लाइन ऑफ ट्रेवल, यहां से देख लीजिए। ओके, ऐसा कंडीशन है, ये आपको दिख रहा होगा ना, लेकिन हम ऐसे यूज नहीं करेंगे इसको, इस फेस को हम टर्न करेंगे। टर्न हुआ तो ये लाइन भी जो है ना जो इस फेस में था ये भी टर्न हो जाएगा। अब इसके बीच और लाइन ऑफ ट्रेवल के बीच के एंगल को हम लोग डिस्क एंगल बोलते हैं। तो इन जनरल वी प्रोवाइड टू एंगल फॉर द डिस्क प्लाउ, एक तो जो है ना हमारा फेस इस तरह अभी जो है ना वर्टिकल है, वर्टिकल से मैंने इसको टिल्ट कर दिया, दिस इज टिल्ट एंगल। एंड दूसरा क्या है, अगर ये लाइन ऑफ ट्रेवल है तो अभी जो है ना हॉरिजॉन्टल डायमीटर, हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ फेस इज मेकिंग 90 डिग्री विद लाइन ऑफ ट्रेवल, बट दिस इज नॉट अ वे टू यूज डिस्क प्लाउ। तो हमें क्या करना है, देखिएगा क्या करूंगा मैं, ऐसे जो है ना इसको टर्न करूंगा, तो ये फेस जो है ना ऐसे आ गया, मेरे अंदर मेरे तरफ से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा ना, फेस ऐसे दिखेगा, फेस में का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस विल लाई लाइक दिस, ऐसे होगा एंड देन जो ना लाइन ऑफ ट्रेवल ये था, इसके बीच का जो एंगल है। ओके, देखिए ना ये टिल्ट कर दिया, तो अब ये टिल्टेड कंडीशन में है एंड जो है ना टिल्टेड कंडीशन में हो गया, और ये हमारा ये लाइन ऑफ ट्रेवल था इनिशियली, लेकिन ऐसे नहीं यूज करते हम, ऐसे यूज करते तो अब क्या हो जाएगा, ये देखिए कम हो गया ना एंगल, देखिए ये एंगल जो दिख रहा है आपको, ये तो ये सारी चीजें जो है ना आपको ध्यान में होना चाहिए। देख लीजिए, यही रोकूंगा मैं आप लोगों को, रुको भाई, ट्रैक्टर को देख के आपको पता चल रहा है दिस इज लाइन ऑफ ट्रेवल, दिस इज लाइन ऑफ ट्रेवल, ऐसे है ना ट्रैक्टर जा रही है ना, एंड जो डिस्क जो आपको दिख रहा है टिल्टेड है कि नहीं, इसमें जो लाइन होगा ये लाइन लाइन ऑफ ट्रेवल से क्या एंगल बना रहा है, ये जो लाइन है लाइन ऑफ, दिस इज लाइन ऑफ ट्रेवल, दिस एंगल इज कॉल्ड डिस्क एंगल। ओके, तो ये सारी चीज जो है ना आपको क्लियर होते रहना चाहिए। देखिए क्लियरली ये देखिए कैसे जो है ना यहाँ पर फॉरो वॉल क्रिएट होते जा रहा है, और फॉरो व्हील उस फॉरो वॉल के अंदर जो है ना होते हुए चल रहा है, तो जो भी उधर से था साइड फोर्स आएगा ना, साइड से साइड फोर्स, उसको ये बियर करने में हेल्प करेगा, प्लाउ को जो है ना लेटरल डायरेक्शन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, उधर मूव नहीं करने देगा, देखिए है ना ये, तो इस डायरेक्शन में जाने नहीं दे रहा है, अंदर धस चुका है सॉइल के अंदर, तो ये क्या करेगा इस डायरेक्शन में ये प्लाउ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। एंड फ्रेंड्स हियर इट इज वेरी क्लियर, आप देख रहे हैं ना टिल्टेड कंडीशन में, ऐसे नहीं जा रही है, ऐसे नहीं है ये, ऐसे है। यहां भी देखेंगे आपको तो क्लियरली जो है चीजें दिखेगी।
आइए, मैं यहां भी आपको ये शो करा सकता हूं। इंटरेक्शन ट्रेवल क्या ये है, और ये देखिए लाइन, तो ये एंगल जो है ना आपका एकदम 90 डिग्री, ऐसे नहीं है डिस्क, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं जा रहा है ट्रैक्टर के साथ, ऐसे है डिस्क। ये जो फेस जो है ना डिस्क, ये जो लाइन जो डिस्क के फेस में है, द लाइन विच इज लाइंग द फेस ऑफ डिस्क एंड लाइन ऑफ ट्रेवल, दिस एंगल इज कॉल्ड डिस्क एंगल। वेरी इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री देखेंगे। यहां पर मैं आपको दिखा रहा था फ्रेंड्स रिवर्सिबल डिस्क प्लाउ के बारे में। रिवर्सिबल डिस्क प्लाउ कैसे, रिवर्सिबल डिस्क प्लाउ जो है ना एट द एंड ऑफ फील्ड इन ऑर्डर टू गेट वन वे प्लॉइंग। अब जैसे क्या हो जा रहा है, सॉइल जो है ना लेफ्ट साइड में सारे थ्रो हो रहे हैं, सॉइल इज डिस्प्लेसिंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड इन दिस वे, इन दिस पास। जब उस तरह से ट्रैक्टर रिटर्न होगा, तो अगर सेटिंग को अगर आप रिवर्स नहीं करेंगे, सो प्लाउ बॉटम्स स्टार्ट थ्रोइंग सॉइल अपोजिट टू दिस डायरेक्शन, तो आपको इधर इधर दोनों साइड में जो है ना फेंका जाएगा। ये वन वे प्लॉइंग चाहते हैं, वी वॉन्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉइल इन अ सेम साइड। ओके, तो आई देखिए कैसे जो है ना ये रिवर्सल होगा, कैसे रिवर्स किए जाएंगे, वो चीजें आपको दिख जाएगा। यहां पर ध्यान देंगे आप लोग, अब इसके देना पूरी की पूरी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। देख लीजिए, जब उधर से रिटर्न होगा, अगेन सॉइल उसी साइड फेंके जाएंगे। अगर ये सेटिंग नहीं किया जाता तो सॉइल अब इधर फेंके जाता। देखिए अब जो भी सॉइल होगा उसी साइड जाएगा ये, तो ये है दिस इज वन वे प्लॉइंग विद द हेल्प ऑफ रिवर्सिबल डिस्क प्लाउ। वर्टिकल डिस्क प्लाउ इज सिमिलर टू डिस्क हैरो, हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए उसी साइड जा रहा है ना सॉइल, तो यही चीज आपको देखना था। वर्टिकल डिस्क प्लाउ डिस्क हैरो जैसा ही होता है। यस, फोर्स एनालिसिस, दिस इज बिगेस्ट थिंग इन दिस सेशन, फोर्स एनालिसिस। डियर स्टूडेंट्स, अ टीलेस इंप्लीमेंट मूविंग एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इज सब्जेक्टेड टू थ्री मेन फोर्स सिस्टम। वन, फर्स्ट सॉइल रिएक्शन फोर्स, वेट ऑफ इंप्लीमेंट एंड पुल बाय पावर मूवर। ओके, अगर जो ना रोटेटरी ट्रांसमिशन नहीं, जैसा कि रोटरी जो रोटर होता है, उस केस में आपको जो है ना पीटीओ से पावर दी जाती है, पुल नहीं होते वहां पर। ओके, पीटीओ से, पीटीओ डिपेंड होती है वो, तो उसको अगर छोड़ दिया जाए, इन दिस केस फ्रेंड्स हियर थ्री मेन फोर्सेस आर इन्वॉल्व, वेट ऑफ इंप्लीमेंट, पुल बाय प्राइम मूवर ट्रैक्टर के द्वारा जो पुल है वो, एंड सॉइल रिएक्शन फोर्स बिकॉज प्लाउ इज इंसर्टिंग इनसाइड सॉइल एंड इट इज मूविंग थ्रू सॉइल, कटिंग, लिफ्टिंग, इन्वर्टिंग, पल्वराइजिंग, दिस ऑल आर इन्वॉल्व। सॉइल विल अप्लाई अ रिएक्शन फोर्स दैट इज कॉल्ड सॉइल रिएक्शन फोर्स, इन विच वन इज यूजफुल सॉइल रिएक्शन फोर्स, अदर इज यूजलेस सॉइल रिएक्शन फोर्स। जो यूजफुल सॉइल रिएक्शन फोर्स है, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्क एमबी प्लाव में उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया है, और जो यूजलेस है उसमें फ्रिक्शन वगैरह इन्वॉल्व है, साइड फोर्स इन्वॉल्व है। ओके, ये आपके यूजलेस में है, जहां पर आपको ये बेवजह ड्राफ्ट की रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा। तो फ्रेंड्स, इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारा टोटल सॉइल रिएक्शन फोर्स हो जाता है। सो हियर प्लाउ इज सब्जेक्टेड टू वेट ऑफ इंप्लीमेंट, सॉइल रिएक्शन फोर्स एंड पुल बाय ट्रैक्टर। इफ
रोटरी पावर ट्रांसमिशन इज नॉट इन्वॉल्व्ड, ओके। क्लाइड्स ऑफ डिवाइड्स द टोटल सॉइल रिएक्शन फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स, टू पार्ट्स, यूजफुल सॉइल रिएक्शन फोर्स एंड पैरासिटिक सॉइल रिएक्शन फोर्स, ऑलरेडी वी हैव सीन इन मोल्ड बोल्ड प्लाउ, बहुत डिटेल में देखा है, इसको हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज प्लाउ इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एंड विदाउट रोटेशन, रोटेशन मीन्स ऐसा नहीं है कि प्लाउ बॉटम रोटेट कर रहा है, डिस्क रोटेट कर रहा है, सो नेट फोर्स एंड नेट मोमेंट ऑन प्लाउ बॉटम मस्ट बी जीरो बिकॉज प्लाउ इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। नेट फोर्स, फोर्स एक्टिंग ऑन प्लाउ बॉटम इज पुल बाई ट्रैक्टर, दिस इज सॉइल रिएक्शन फोर्स, यूजफुल सॉइल रिएक्शन फोर्स, दिस इज पैरासिटिक सॉइल रिएक्शन फोर्स and this is weight of implement. So pull by tractor is equal to soil reaction force plus weight of implement. This is written in the vector form. Friends, if we try to write force equilibrium equation in horizontal and vertical plane, take the component of pull in horizontal plane, so PH, RH, QH, WH, component of W in horizontal plane will be zero because W is the weight of implement and it is acting perpendicular to the horizontal, okay. So dear students, component of W in horizontal plane will be zero only we have this component. If we take component force equilibrium equation in horizontal plane, PHRHQH is equal to zero. PHRHQH is equal to zero. Similarly, we can take all components in vertical plane and their vector sum must be zero. This is representing in that relation weight of implement involves. यहाँ पर जो है ना ये आएंगे PV, QV, weight and ये जो है आपका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। यूजफुल सॉइल रिएक्शन फोर्स का है ना, यहां बताने पी तो इसके हॉरिजॉन्टल आर एच हॉरिजॉन्टल इसके आ जाएंगे, क्यूएच आ जाएंगे और इसके जो है ना आर का वर्टिकल जो कंपोनेंट होते हैं वो वी से यहां पर हमने रिप्रेजेंट किया है। तो ये ध्यान में, ऑलरेडी ये सारे एक्सप्लेन किया हुआ है आप, इसलिए जो है ना इस पर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं। आप देखिए ना वहां पर शायद वहां पर भी पढ़ा होगा, यूट्यूब पे भी पढ़े होंगे, मोड़ बोल पढ़ा, काफी डिटेल से डिस्कस किया गया, सेम चीज रिपीट हो रहा है, तो इस पर हमें ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। हियर फ्रेंड्स वी हैव डिफरेंट वे टू रिप्रेजेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन डिस्क प्लाउ जो यहां पर हमारे लिए यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है। इस फोर्स रिप्रेजेंटेशन से हम कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो फोर्स वे, फोर्स का रिप्रेजेंटेशन जो है हमने ऐसे दिखा दिया आपको, जो अभी जस्ट दिखाया ये सारे। अब आइए जरा दिखाते हैं आपको कैसे डिस्क प्लाउ के केस में फोर्स को कैसे एक्सप्रेस करें कि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, फोर्सेस एक्टिंग ऑन डिस्क प्लाउ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू वेज। दिस इज फर्स्ट वे इन विच we take a thrust force T and radial force U, and second way RH and V. Dhyan dijiyega, these are two important ways to express forces acting on disc plow. ये आपको ध्यान में रखना है, बस अभी वे को रिप्रेजेंट करिए ना, मैं दिखाता हूं फोर्स को कैसे एक्ट होता है। थ्रस्ट फोर्स टी एंड रेडियल फोर्स यू, द रिजल्टेंट इफेक्ट इज एक्सप्रेस्ड बाय टू नॉन इंटरसेक्टिंग फोर्सेस, वन बीइंग अ थ्रस्ट फोर्स, दीज आर टू नॉन इंटरसेक्टिंग फोर्सेस, थ्रस्ट फोर्स टी पैरेलल टू डिस्क एक्सिस, थ्रस्ट फोर्स टी पैरेलल टू डिस्क एक्सिस। ओके,
तो आप देख लीजिए, यहां से मैंने ऐसे नहीं रखा, देखिए क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। और ये हमारा जो है लाइन ऑफ ट्रेवल है, और ये लाइन ऑफ फेस, लाइन ऑफ ट्रेवल से कितना एंगल बना है? ये देखिए दिस लाइन, ये जो है ना फेस में है, ठीक है। तो ये फेस जो है ना लाइन ऑफ ट्रेवल से क्या एंगल बना रहा है? डिस्क एंगल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या हो गया? लाइन ऑफ ट्रेवल, ओके। लेकिन लाइन ऑफ ट्रेवल ऐसे ऐसे है, ध्यान दीजिएगा, शुरू में कैसे था आपको पता चल रहा है। ये देखिए, जब एकदम डिस्क एंगल नहीं दिए हमने, 90 डिग्री था उस समय, मतलब कि एकदम 90 डिग्री रखा हुआ था, 90 डिग्री नहीं रखते, 90 डिग्री से कम रखते, 42-45 डिग्री, तो ऐसे था। लेकिन जब हमने इसको लेस देन 90 डिग्री किया, लाइन ऑफ ट्रेवल एंड डायमीटर इन डिस्क फेस, उसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ ट्रेवल एंड डायमीटर इन डिस्क फेस, ओके। तो वो हमारा जब 90 डिग्री से कम है, तो उस केस में हमारा इसके परपेंडिकुलर लाइन इधर शिफ्ट होगा कि नहीं भाई? जितना आप ऐसे था पहले, जब इधर कर रहे हो तो परपेंडिकुलर लाइन ऐसे जाएगा, एक्सिस जो है ना इस डिस्क की इधर मूव करेगी कि नहीं? लाइन ऑफ ट्रेवल से कितना एंगल बनाएगी? जितना एंगल से आपने इसको टर्न किया था, है ना, ऐसे था ना पहले, जितना एंगल से आपने टर्न किया था, टर्निंग हुई है, देखो टर्निंग हुई है, जितना एंगल से आपने इसको टर्न किया है, क्योंकि हमें फेस को ऐसे ले जाना है और इससे जो एंगल बना रहा है दिस इज कॉल्ड डिस्क एंगल, तो जितना आपको टर्न हुआ है उतना ही से इसका जो परपेंडिकुलर है एक्सिस, एक्सियल एक्सिस, एक्सिस है, वो टर्न होगा कि नहीं? बोलिए कि नहीं, वो टर्न होगा कि नहीं भाई? हमने ऐसे ऐसे है तो ये एक्सिस है, एक्सिस लाइन ऑफ ट्रेवल भी सपोज यही ले लेता हूं मैं, लेकिन लाइन ऑफ ट्रेवल वही रहेगा, डिस्क एंगल हम जब 90 डिग्री से कम करते हैं तो इसका जो एक्सिस है, एक्सिस का मतलब जो है ना, आप समझ रहे हैं, स्टब एक्सल के लॉन्ग जो लाइन होगी ऐसे होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, द थ्रस्ट फोर्स इज एक्टिंग अलोंग एक्सिस और अलोंग स्टब एक्सल, दिस फोर्स इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू डिजाइन थ्रस्ट बियरिंग, फॉर द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द थ्रस्ट बियरिंग वी रिक्वायर फोर्स एक्टिंग अलोंग द एक्सिस, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस डिस्क अलोंग द एक्सिस। अगर जो ऐसा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? अगर हमने बॉल बियरिंग लगा दिया तो ये डिस्क पर जो फोर्स लगने वाला है ना, अब क्या हो जाएगा? अपर रेस जो है ना बाहर निकल जाएंगे, जो बियरिंग के जो अपर और लोअर रेस है सेपरेट अलग हो जाएगा, वो बाहर हो जाएगा। और फिर हमें रोलिंग एलिमेंट की स्ट्रेंथ क्या रखनी है? रोलिंग एलिमेंट जो हमारा बॉल यूज कर रहे हैं या रोलर यूज कर रहे हैं बियरिंग में, उसका फॉर द सेफ डिजाइन ऑफ, फॉर द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द बियरिंग फॉर दिस डिस्क, बिकॉज वी हैव टू माउंट दिस डिस्क ऑन अ स्टब एक्सल, तो स्टब एक्सल पर तो अभी साथ में रोलिंग भी होना चाहिए, तो उसके लिए हमें चाहिए ना बियरिंग, चाहिए बियरिंग की जो हाउसिंग है, बियरिंग जो है आपको स्टब एक्सल पर फिट है और फिर उससे ये कनेक्टेड है, तो इसलिए अब ये रोटेशन दे पाएगा। तो हमें वो जानना है ना, डिजाइन करनी है उस बियरिंग के, सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज वेरी यूजफुल फॉर द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ बियरिंग विच इज माउंटिंग दिस डिस्क टू स्टब एक्सल, द रिजल्टेंट अफेक्ट इज एक्सप्रेस्ड बाई नॉन इंटरसेक्टिंग फोर्सेज, वन बींग थ्रस्ट फोर्स टी पैरेलल टू डिस्क एक्सिस, पैरेलल टू डिस्क एक्सिस अलोंग स्टब एक्सल, जो स्टब एक्सल है उसी पर इसको माउंट किया गया है, तो उसी के अलोंग पढ़िए आप लोग, ये सब कंपेरिजन अभी ना करिए आप लोग जो है ना, वो यहां देखिए अभी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। बच्चा है वो अभी सीखेगा, अभी अभी ना आया है ना, 2 साल हुआ उसका, अभी 12 साल हो चुका है यहाँ भाई, अभी है नहीं, अभी अभी मैं जो ना फास्ट में हूँ, फास्टिंग चल रही है हमारी, अभी पावर देखना है तो खुद के देख लो, 90-92 वीडियो पड़े हुए होंगे वहां पर, बेवकूफ पढ़ने आया कंपेरिजन कर रहा है। यहां देख मेरे भाई, तो यहां से आप देख रहे हैं ना,
मैं आपको क्या बता रहा था, यस, जो फोर्स का रिप्रेजेंटेशन हमें करना है वो कैसे रिप्रेजेंट करे वो देखना है। वो थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट फोर्स टी विच इज यूजफुल फॉर द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ बियरिंग माउंटिंग द डिस्क टू वेस्ट ऑफ एक्सल। इसलिए वो फोर्स चाहिए हमें जो एक्सिस के अलोंग लग रहा है, इसके एक्सिस के अलोंग जो लग रहा है वो चाहिए। एंड अदर बींग अ रेडियल फोर्स यू, जैसा कि हम फिगर में दिखाएंगे। दिस मेथड इज पार्टिकुलरली एडवांटेजियस इन कैलकुलेटिंग लोड ऑन डिस्क सपोर्ट बियरिंग्स। ओके, द थ्रस्ट फोर्स इज ऑलवेज वेल बिलो द डिस्क सेंटर लाइन बिकॉज द सॉइल एक्ट्स अगेन द लोअर पार्ट ऑफ द डिस्क फेस। अब आइए दोस्त, क्या ये पूरी फेस पर सॉइल आ रही है क्या? इज दिस डिस्क कटिंग सॉइल थ्रू इट्स ऑल फेस? नो, ओनली लोअर पोर्शन ऑफ द डिस्क फेस इज इन्वॉल्व इन कटिंग ऑपरेशन। लोअर फेस, केवल इतना ही फेस है ना, इतना ही इंसर्टेड होती है, क्योंकि क्योंकि देखते ना, ये तो आपका जो है ना एक्सल बाहर ऊपर है ना, रोटेशन में यहाँ पर है, पूरी की पूरी बियरिंग थोड़ी घुस, बस केवल लोअर पोर्शन जो है इतना ही जो है ना सॉइल के अंदर धसा हुआ है, यही कट कर रहा है सॉइल को, और फिर ये जो आपकी कटिंग ऑपरेशन हो रही है। क्लियर? तो दोस्त इतना ही पोर्शन जब अगर हमारा इंसर्टेड है तो इतना रीजन पर ही फोर्स लग रही है ना, तो फोर्स की जो रिजल्टेंट फोर्स की अगर लोकेशन ढूंढा जाए तो इतनी इसकी रिजल्टेंट कहीं यहाँ ऊपर होगी। तो वही बताया जा रहा है, जो फोर्स जो एक्ट हो रहा है, फोर्स जो है ना सेंटर से बिलो होगा। जब पूरी एरिया पर फोर्स लग रही होती, पूरी की पूरी डिस्क जो है ना सॉइल को अगर कट कर रहा होता, इफ होल डिस्क फेस इज कटिंग द सॉइल, इन दैट केस सेंटर ऑफ द फोर्स लाइज एट द सेंटर, एग्जैक्ट ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ दिस डिस्क, बट फ्रेंड्स ओनली लोअर पार्ट ऑफ द डिस्क फेस इज इन्वॉल्व इन कटिंग ऑपरेशन। लोअर पार्ट ऑफ द डिस्क फेस, यस, लोअर पार्ट जो है ना केवल जो है ना इन्वॉल्व है। तो लोअर पार्ट इन्वॉल्व है, इतने पार्ट पर अगर केवल कटिंग ऑपरेशन हो रहा है इतना ही पार्ट से, तो इस पार्ट का सेंटर कहां पर होगा? नीचे ही होगा ना। इट मींस फ्रेंड्स द थ्रस्ट फोर्स, जो जो पॉइंट एक्टिंग है थ्रस्ट फोर्स का, थ्रस्ट फोर्स मस्ट एक्ट बिलो द सेंटर ऑफ द डिस्क, तो उसके नीचे एक्ट होगा, उसमें भी जो है ना थोड़ा इधर की तरफ होगा, बिकॉज दिस पोर्शन इज एंटरिंग, बिकॉज हियर रोटेशन इज टेकिंग प्लेस लाइक दिस, दिस इज लाइन ऑफ ट्रेवल एंड दिस इज अ वे इन विच डिस्क इज रोटेटिंग एंड मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ ट्रेवल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फेस जो है ना फेस कर रहा है, तो फोर्स जो है ना इधर शिफ्ट करेगा। इट मीन्स दिस इज द वे, दिस इज द पॉइंट बिलो द सेंटर लाइन, और आगे की तरफ होगा वेयर दिस टी इज पासिंग। ओके, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टी, ये नीचे होगा सेंटर लाइन से एंड थोड़ा सा इधर की तरफ होगा, फ्रंट की तरफ होगा, और पैरेलल टू द एक्सिस। ओके, तो वही यहां पर रिप्रेजेंट किया, दिस मेथड इज पार्टिकुलरली एडवांटेजियस इन कैलकुलेटिंग लोड ऑन डिस्क सपोर्ट बियरिंग बिकॉज फॉर द प्रॉपर सिलेक्शन एंड डिजाइन ऑफ द बियरिंग वी नीड अ थ्रस्ट फोर्स। द थ्रस्ट फोर्स इज ऑलवेज वेल बिलो द डिस्क सेंटर लाइन, दिस सेंटर लाइन से नीचे होगा। ओके, थोड़ा सा इसेंट्रिक होगा, दिस है ना इधर इधर की तरफ होगा, बिकॉज द सॉइल एक्ट्स अगेंस्ट द लोअर पार्ट ऑफ द डिस्क फेस। केवल इतना ही में कटिंग हो रही है, इतना ही फेस आपका इन्वॉल्व है, तो उसका सेंटर इधर ही होगा। द रेडियल फोर्स विच इंक्लूड्स द वर्टिकल सपोर्ट फोर्स एंड सपोर्ट फोर्स ऑन डिस्क ब्लेड मस्ट पास लाइटली टू द रियर ऑफ द डिस्क सेंटर लाइन टू प्रोवाइड द नेसेसरी टॉर्क नेसेसरी टू ओवरकम बियरिंग फ्रिक्शन एंड कॉज रोटेशन ऑफ द डिस्क। तो उसको मैं दिखा देता हूं। तो ये फर्स्ट वे है, इन द फर्स्ट वे ऑफ फोर्स एक्सप्रेशन वी हैव टू फोर्सेस टी एंड यू। टी इज एक्टिंग अलोंग डिस्क एक्सिस एंड यू इज एक्टिंग इन द डिस्क फेस। यस, बिकॉज डिस्क एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दिस इज डिस्क फेस। तो डिस्क एक्सिस इज दिस सेंटर, अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, दिस इज डिस्क एक्सिस। डिस्क एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू डिस्क फेस, दिस इज डिस्क फेस, दिस इज
डिस्क फेस, ओके दिस इज डिस्क फेस एंड दिस इज डिस्क एक्सिस, डिस्क एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू डिस्क फेस। टी इज एक्टिंग पैरेलल टू डिस्क एक्सिस एंड यू अनदर परपेंडिकुलर फोर्स, अनदर फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू दिस टी। तो टी के परपेंडिकुलर कौन होगा, फेस में ही होगा ना भाई। टी इज पैरेलल टू डिस्क एक्सिस एंड यू अनदर कंपोनेंट लाइंग इन द फेस, तो वो फेस में अगर है तो यू और टी दोनों परपेंडिकुलर नहीं होंगे क्या, बिकॉज दिस टी इज परपेंडिकुलर टू फेस एंड यू इज लाइंग इन द फेस। तो एक ये हो गया फोर्स को रिप्रेजेंट करने का एंड ये एक वे हो गया फोर्स को रिप्रेजेंट करने का। ऑलरेडी हम लोग इस फेस इस वे को जानते हैं, आर एच एंड वी, आर एच के दो कंपोनेंट एस एंड एल, मोल्ड डिप्लॉयमेंट में डिस्क से डिटेल से देख चुका हूं, एस एंड एल एंड दिस इज अ वर्टिकल फोर्स। ओके दिस इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू डिजाइन और सेलेक्ट बियरिंग सपोर्टिंग द डिस्क। ओके तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखिएगा। इस रिप्रेजेंट अब इन दोनों के बीच में हमें कोरिलेशन देखना है, आइए जरा देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स इसको जो है ना समझ गए तो अपना काम जो है निकल जाएगा, बस इतना ही है, इतना ही में सब फिनिश हो जाएंगे। दिस इज डिस्क फेस, ओके और ये एकदम आपके फ्रंट में ऐसे है, ऐसे ही है आपके सामने में, देख लीजिए एकदम ऐसे है, क्लियर। मैंने क्या बोला था, जो फर्स्ट वे है फोर्स रिप्रेजेंटेशन का जिसमें हम टी एंड यू को ले रहे थे, टी इज एक्टिंग पैरेलल टू डिस्क एक्सिस एंड यू इज एक्टिंग इन द फेस ऑफ द डिस्क। तो यू जो है ना फेस में लग रहा है एंड जो टी आपका जो है ऐसे है। टी भी हमने बताया था कि आगे की तरफ लगेगा और थोड़ा सा सेंटर से नीचे की तरफ लगेगा, ओके क्यों नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि लोअर पार्ट ऑफ द डिस्क डिस्क इज इन्वॉल्व इन कटिंग ऑपरेशन, सो दिस होल पार्ट विल एक्सपीरियंस सॉइल रिएक्शन फोर्स, ओके सो देयर सेंटर ऑफ रेसिस्टेंस लाइज समवेयर इन दिस रीजन। सेंटर ऑफ रेसिस्टेंस जो सेंटर ऑफ फोर्स है वो कहीं इसी में लाई करेगा, ऊपर थोड़ी चला जाएगा भैया, कोई दबाव पुराब है यहां पर तो फोर्स का सेंटर यहां होगा कि सर पर चला जाएगा, तो वही बात है ना, इतना ही पार्ट ना सॉइल में डूबा हुआ है, इंसर्टेड है दिस पार्ट, ओनली लोअर पोर्शन ऑफ दिस डिस्क इज इंसर्टेड इनटू सॉइल, तो उसके इस पूरे फेस पर जो ना सॉइल रिएक्शन फोर्स लग रहे होंगे इतना ही पर, तो इसका रिजल्ट है इसका जो सेंटर ऑफ फोर्स है कहीं इधर ना चला जाएगा, वो एकदम उधर इसी के सेंटर पर होगा, तो वही यहां पर शिफ्टेड है। ये देखिए मैं दिखा रहा हूं, यहां देख रहे हैं दिस इज टी, तो टी ऐसे एक्ट हो रहा है, तो कोई चीज ऐसे होता है तो कहां दिखाई देगा, यही ना हमने जो ना क्रॉस से दिखाया है आपको, टी को जो ना हमने क्रॉस से दिखाया, ध्यान से देखते चलिएगा, ध्यान से देखते चलिएगा, ये डॉट या क्रॉस यूज किया जाता है तो आपको पता चल जाना चाहिए द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो वो परपेंडिकुलर है, इसको मैंने दिखाया ये टी है, इसलिए मैंने इसको घेर कर टी बताया, एंड टी सेंटर लाइन से नीचे है और थोड़ा सा आगे की तरफ है। उसके बाद मैंने एक और बताया कि आपके पास एक और फोर्स है यू है, यू को देख लीजिए, यू यहां पर कैसे रिप्रेजेंट किया गया, मैं अब हाथ पर भी दिखा सकता हूं इजिली, ये हमारा डिस्क है, दिस इज डिस्क, ऐसे ही डिस्क है ये, और इसका फेस में बना रहा, ये डिस्क हो गया ना, अब ये फेस हो गया, फेस वाली जो है ना ये हो गया, अभी ऐसे है। इसको जो है ना प्रॉपरली दोस्त समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसको पकड़ने के लिए जगह नहीं बचेगा ना अब। दिस इज द वे, इसको और नीचे लेके आता हूं मैं, बस एक बार मेरे भाई समझ जाएगा, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा।
देखते चलिएगा ना, मैं दिखा दूंगा आपको, उधर भी दिखूंगा मैं। देखिए ये, मुझे शो करना है बस आप लोगों को, ये शो कर दूं। यस डियर स्टूडेंट्स, दिस इज टी, दिस इज टी, दिस इज टी विच इज परपेंडिकुलर टू दिस दिस फेस, एंड दिस इज यू, दिस इज यू लाइंग इन द डिस्क फेस, एंड दिस इज एक्चुअल फोर्स, दिस इज एक्चुअल फोर्स। इट हैज टू कंपोनेंट, इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, इट हैज टू कंपोनेंट, दिस एंड दिस। ध्यान देना, दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को, मैं समझने का प्रयत्न कर रहा हूं कि तुम लोग देख पा रहे हो कि नहीं। देखो ये तो तुम्हारे तरफ है और ये जो है ना इस डायरेक्शन में है, नहीं ऐसे, अभी उस डायरेक्शन वाला फोर्स अभी निकाले जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, ये एकदम ऐसे है, दिस लाइन इज पैरेलल टू फेस, दिस लाइन इज पैरेलल टू फेस, ओके, बट इट इज नॉट इधर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। एक बार माइंड में देख लीजिएगा, वीडियो देख के प्ले प्ले कर करके बार बार देखते रहिएगा। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस फेस, दिस डिजिटल व्हाइट बोर्ड, एंड फ्रेंड्स फेस इज ऑल्सो लाइंग इन द प्लेन ऑफ दिस डिजिटल व्हाइट बोर्ड। ये फेस, ये डिस्क का फेस इस डिजिटल बोर्ड, डिजिटल व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, और ये जो आपको जो दिख रहा है यू, दिस इज यू एंड दिस इज टी, ओके, और ये इसी का दो कंपोनेंट है। देख लीजिए ऐसे है, दिस इज रिजल्टेंट फोर्स, इट हैज टू कंपोनेंट, परपेंडिकुलर टू द डिस्क फेस और पैरेलल टू द डिस्क एक्सिस एंड पैरेलल टू डिस्क फेस। ये डिस्क फेस के पैरेलल दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड यू, दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड यू, एंड डियर स्टूडेंट्स, एंड दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड दिस इज टी। ये टी है एंड दिस इज यू। टी जो है ना क्यों नीचे लगेगा वो बता दिया, क्यों आगे की तरफ लगेगा, बिकॉज वी हैव प्रोवाइडेड डिस्क फेस लाइक दिस। तो ये पहले इंटर करेगा सॉइल में, रिजल्टेंट फोर्स शिफ्ट करेंगे इधर, तो वो हो गया। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टी, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टी, एंड दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ यू, बोथ आर नॉन इंटरसेक्टिंग, बोथ आर नॉन इंटरसेक्टिंग, ओके। देखो एकदम रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जैक्टली, दिस इज रिजल्टेंट फोर्स एंड इट हैज टू कंपोनेंट, इट हैज टू कंपोनेंट, वन इन द प्लेन ऑफ इन द फेस ऑफ डिस्क एंड वन परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ डिस्क, एंड दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग, बीच में गैप दिख रहा है, ये नॉन इंटरसेक्टिंग ऐसा ही है। और देखिए इसका एक इसका कंपोनेंट है, इसी का है ये कंपोनेंट, ऐसे इट हैज टू कंपोनेंट, वन परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ डिस्क दैट इज रिप्रेजेंटिंग थ्रस्ट फोर्स, एंड वन इन द प्लेन ऑफ फेस रिप्रेजेंटिंग यू। इट हैज टू कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एम, एंड इट हैज टू, इट हैज दिस यू विच इज लाइंग इन द फेस ऑफ डिस्क हैज टू कंपोनेंट, वन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड सेकेंड वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज एम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज वी। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव थ्री फोर्सेस, थ्रस्ट फोर्स विच इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ डिस्क, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द फेस ऑफ डिस्क, एंड दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द फेस ऑफ डिस्क टी एम बी, ये आपके फोर्सेस लगे। डियर स्टूडेंट्स, एम एंड वी टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ यू, सो वी कैन राइट यू इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर स्क्वायर रूट। सो टू फोर्सेस टी एंड यू आपको डिफाइन हो चुका है, टी इज एक्टिंग पैरेलल टू
axis of disk that is perpendicular to face of disk and u is acting in the face of disk. It has two component in the same plane, friends. It has two component in the same plane. ऐसे है, देखो ये हमने जो डिस्क का फेस है, डिस्क फेस इज टेकन इन द प्लेन ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड. दिस डिस्क फेस, जो डिस्क की फेस है ना, इसके प्लेन में लिया गया है. ओके, सो फ्रेंड्स हियर वी हैव टू लाइंस, वन लाइंग इन द प्लेन ऑफ फेस ऑफ डिस्क और प्लेन ऑफ बोर्ड एंड वन परपेंडिकुलर. तो दिस इज दिस डॉट वाला जो ना, दिस डॉट है is representing T thrust force and ये जो represent कर रहा है आपका U represent कर रहा है. तो अगर इसको आपको इससे दिखाना हो तो this is T and this is U, this is U. But अगर आप देखा जाए ये दोनों आया कहां से, तो हम बोल सकते हैं dear students actually this is resultant soil force. It has two component T and U. Now, अब इस U को मैं ब्रेक कर रहा हूं. U has horizontal and vertical component. U has horizontal and vertical component. This vertical component will provide support with the help of ground for this disk implementation. तो घस अंदर नहीं चला जाएगा भाई, नीचे से support दे रहा है. तो ये vertical component support दे रहा है. And this M is providing रोटेशन. ये अगर ये इंक्लाइन नहीं होता ना, ये थोड़ा सा बीच में इसेंट्रिसिटी नहीं होता, तो कैसे यू के ये रोटेशन आ रहा है ना, डिस्क में रोटेशन कहां से आ रहा है? डिस्क में जो रोटेशन आपको दिख रहा है, दिस रोटेशनल मोशन इज प्रोवाइडेड बाय इसेंट्रिक यू इन द प्लेन ऑफ डिस्क फेस. तो ये इसेंट्रिक है, सेंटर से पास करता तो ये रोटेशन ही नहीं दे पाता. ये सेंटर से पास नहीं कर रहा है. अगर इस डिस्क को रोटेट कराना हो तो जस्ट यू आर अप्लाइंग अ फोर्स विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क. यू कांट रोटेट दिस डिस्क. फॉर द रोटेशन ऑफ द डिस्क यू नीड टू अप्लाई फोर्स विच इज इसेंट्रिक, दैट इज विच इज नॉट पासिंग थ्रू सेंटर. वो रोटेट कराएगा. ऐसे लगाते हो तो रोटेट करती है ना. अगर इसको आप रोटेट कराना चाहोगे डिस्क को, तो कोई भी फोर्स जो सेंटर से पास कर रहा है वो कभी रोटेट नहीं करा सकता है. बिकॉज हियर वी हैव रोटेशन ऑफ द डिस्क. This rotation is realized by this eccentric U. U is not passing through the center. It is rear of the center line. So it provides rotational effect. इसको rotate कराकर जो advantage लेने जा रहे थे over mode bolt plow, ये advantage तभी मिल सकता है जब face में a force which is acting in the face but not passing through the center line. This can produce rotation. This can produce a torque just required to overcome motion resistance. Because in order to rotate this disc will experience a resistance. If we have a couple which is acting on this disc, which is sufficient to overcome that motion resistance force, then it start rotating. Okay. तो ये चीज आपको ध्यान में होना चाहिए. This is the reason to provide. तो एक्चुअल में क्योंकि हमें रिप्रेजेंटेशन करना है, द एक्चुअल अफेक्ट इज एक्सप्रेस्ड बाय, इफेक्ट को मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं बिकॉज डिस्क इज रोटेटिंग एंड स्टब एक्सल इज एक्सपीरियंसिंग, स्टब एक्सल और बियरिंग इज एक्सपीरियंसिंग थ्रस्ट फोर्स. सो फ्रेंड्स हमें इस पर लगने वाले फोर्स को वैसे रिप्रेजेंट करना है कि रोटेशन भी इसमें आ जाए. बिकॉज डिस्क इज रोटेटिंग एंड रोटेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन अ फोर्स इन द प्लेन ऑफ डिस्क acting but it is not passing through the center line. This is the reason to divide actual force system into two forces, which is perpendicular to the disk face, that is acting along axis of disk, and another lying in the face of disk. This force is not passing through center line, so this helps in रोटेशन ऑफ द डिस्क. यस, तो ये चीजें जो है ना आपको पकड़ना था कि इस डिस्क में रोटेशन कहां से आ गई थी. यस, वी हैव अ फोर्स इन द फेस ऑफ डिस्क व्हिच इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर. एंड बियरिंग जो है ना, पता चला कभी जो है ना प्लाइंग हो रहा था और बियरिंग से
मतलब ये डिस्क जो है ना बियरिंग से उतर गया, रीजन यही उतार सकता है, टूटा नहीं लेकिन बाहर निकल गया, रेसेस जो है ना उसके ऊपर वाले रेसेस निकल के बाहर निकल गया, अंदर की चले गए, तो ऐसा पॉसिबल कैसे था? इट मीन्स थ्रस्ट फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ स्टब एक्सल. फ्रेंड्स हियर वी हैव टेकन जीरो टिल्ट एंगल, हमने एकदम टिल्ट एंगल नहीं दिया, तो टिल्ट एंगल नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, बस ये रहेगा ऐसे, लेकिन डिस्क एंगल तो चाहिए, डिस्क एंगल के बिना तो इसकी कोई फंक्शन मतलब इसमें हमें एडवांटेज मिलेगा ही नहीं, तो डिस्क एंगल तो चाहिए, डिस्क एंगल ऐसे तो चाहिए, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि दे डिस्क एरो में होता भी नहीं है, टिल्टिंग के लिए वहां पर अरेंजमेंट नहीं होता, बिकॉज इन केस ऑफ डिस्क एरो नंबर्स ऑफ डिस्क आर माउंटेड ऑन अ सिंगल बोल्ट, दे आर कॉल्ड, वो आपका गैंग कला था, और एक साथ सब रोटेट होता है, उसमें जो डिस्क एंगल दिया जाता है गैंग को रोटेट करके, गैंग एक्सिस को रोटेट करके, ओके? तो ये सारी चीजें जो है ना आपको पता चलना चाहिए, तो ये आपको फोर्स दिख गया होगा, कैसे यू के दो कंपोनेंट है, यू हैज टू कंपोनेंट है, यू इज लाइंग इन द फेस ऑफ डिस्क, इट हैज टू कंपोनेंट, वन हॉरिजॉन्टल एंड अदर वर्टिकल, वर्टिकल इज सपोर्टिंग डिस्क प्लाउ and this aim is providing rotation and this is thrust force, okay? Dear students, अब जब इसको जब पलट के बात करेंगे हम, तो ये फोर्सवा कैसे दिखेगा वो दिखा देता हूं मैं, अब आपको दूसरे वाले में कोई और फोर्स दिख जाएगा, कोई ढक जाएगा, अभी ऐसा था, तो इस वाले केस में आप किसको दिखा पा रहे थे, U को दिखाए थे, U has two component, आपने किसको दिखाया था, इस वाले में आपको जो है ना, ऐसे में ये आपको नहीं दिखा था थ्रस्ट फोर्स, बिकॉज थ्रस्ट फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर एंड वी आर व्यूइंग फोर्सेस लाइक दिस, सो ये पॉइंट की तरह दिखेगा, क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्शन ये, तो टी हमारा पॉइंट की तरह दिखा दिया, एंड डियर स्टूडेंट दिस इज यू, यू हैज टू कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज यू, ऐसे था ना यू, ये यू है, यू हैज टू कंपोनेंट, एक जो ना कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसके एक वर्टिकल कंपोनेंट, बोथ आर लाइंग इन द सेम प्लेन, यू का ही कंपोनेंट है, यू इज लाइंग इन दिस प्लेन फेस ऑफ द डिस्क, तो इसके कंपोनेंट भी तो इसी में होंगे ना, तो दिस इज एम एंड दिस इज वी, हियर वी कैन व्यू एम एंड वी, यहां पर हम एम एंड वी को देख सकते हैं, एम एंड वी को देख सकते हैं, देखो दिस इज एम, सेंटर से नीचे होना चाहिए, दिस इज एम एंड दिस इज वी, ये वाला वी है ऊपर, ये जो है ना वी है, ये क्या है एम है, देखो यही दो दिख रहा है, और जो टी है, जो टी यहां पर लग रहा था बंधु, टी है वो नहीं दिखेगा, टी आपको नहीं दिखेगा, कैसे दिखेगा, इधर से देखोगे तो डॉट दिखेगा ना, केवल ये वी है, दिस इज एम, एम एम वी यू का कंपोनेंट है, और ये टी, ये आपको टी विजुअल रहेगा, ऐसे देख लो ध्यान से देख लो, दिस इज एम, ये वाली एम, दिस इज वी एंड दिस इज टी, टी विजुअल नहीं रहेंगे, अब देखो कौन विजुअल है, कौन विजुअल है, ऊपर वाले में देख कुत्ता, कौन विजुअल है, टी विजुअल है, एम विजुअल है, और वी घंटा हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, तो मेरे भाई दिस इज ट्रांस, अभी बताया था ना एम विजुअल रहेगा, टी विजुअल हो जाएगी, देखो टी विजुअल हो जाएगी, और इस बार वी डॉट में चला जाएगा, बकवास है, कौन लिखा था ये बकवास, ये काहे फालतू का नाम लिखता है, ये लड़का कौन है, ये वो है अभी विक्की कुमार, अभी है आप तो, अभी मैं दिखाता हूँ एक पॉइंट आपको, कौन है लड़का, ये विक्की कुमारी था, हेलो विच इज बेटर ट्रांसिजी और गेट फॉर ऑल, वो है तो उसको मैं प्रूफ दिखाता हूँ कौन बेटर है, अगर हो तो बोलो यस, बोलो यस सर मुंह बोलो ना, अगर हो तो मैं दिखाता हूं, अभी किसी को देखना दिखाऊं विच वन इज बेटर, बड़ी ऑथेंटिक सोर्स है मेरे पास, कोई देखना चाहता है मेरे भाई, अच्छी बात है, देखना चाहता है बोलो दिखा देता हूं, बोलो ना यस सर नो, बोलना यस नो बोलना दिखा दूंगा यहां, अब बच्चा अरे अभी वो दो चार महीना हुआ उसको आया होगा इस फील्ड में, सब पल नहीं पड़ेगा हमारा ही, तो देख देख के वो जो ना इधर उधर करता है, वो प्रूफ है मेरे पास, सॉलिड प्रूफ है, विश्वास भी हो जाएगा तुमको, ये सब चीज नहीं पूछने का, मैं हूं उसी जगह पर, तुम कंपेरिजन करा दिया, गलत बात है,
फ्रेंड्स, तो ये समझ में आ गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे। फिर से मैं कर देता हूं एक बार और ट्राई कर देता हूं। दिस इज एम एंड दिस इज वी, पहले बढ़िया से इसको पकड़ो, एंड दिस इज टी। डियर स्टूडेंट, दिस इज एम, कंपेयर करो, दिस इज एम, दिस इज वी एंड दिस इज टी। ये टी है टी। टी इज एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ डिस्क। एम एंड वी आर कंपोनेंट ऑफ यू। यू इज अ फोर्स लाइंग इन द फेस ऑफ डिस्क, सो देयर कंपोनेंट्स आर ऑल्सो लाइंग इन द फेस ऑफ द डिस्क, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ द डिस्क, एंड टी इज इसेंट्रिक। यही है ना। इन दिस व्यू ओनली वी एंड यू, गैप कर लिया हूं, यू हैज टू कंपोनेंट। जब तो कंपोनेंट की मैं बात कर रहा, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स कंपोनेंट, देयर इज नो नीड टू से एनीथिंग अबाउट दिस यू, क्योंकि हमने एम और वी में बात कर लिया ना। अब हटाओ यू को, हटाओ। अब यू इज लाइंग द फेस इन द इंक्लाइंड वे, सो इट हैज टू कंपोनेंट, एम एंड वी। एम एंड वी दो कंपोनेंट हो गया और एक टी हो गया। तो एम एंड वी इज रिप्रेजेंटिंग यू एंड दिस इज टी। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए टी को जो ना मैं इसेंट्रिकली लगाया, सेंटर यहां पर हमारा है, एंड टी का जो ना एक्शन पॉइंट देख लीजिए क्या यहां पर है। तो सब कुछ क्लियरली रिप्रेजेंट हो रहा है। अब क्या करता हूं मैं, ऐसे में क्या है, टी इज नॉट विजिबल, ओनली एम एंड वी इज विजिबल, ओनली एम एंड वी इज विजिबल, बट इन दिस व्यू कौन विजिबल है, टी इज विजिबल। देखिए दिस इज टी, टी इज विजिबल एंड दिस इज एम, एम इज विजिबल एंड वी क्या हो जाएगी, डॉट हो जाएगी, दिस इज डॉट, वी इज डॉट, डॉट में चला जाएगा। समझ में आया। सो दिस इज वन वे टू रिप्रेजेंट, अ वेरी यूजफुल वे ऑफ फोर्स रिप्रेजेंटेशन, दैट इज थ्रस्ट फोर्स एंड अ रेडियल फोर्स लाइंग इन द फेस ऑफ द डिस्क। टी एंड यू, यू हैज टू कंपोनेंट एम एंड वी। तो अगर एम एंड वी लेकर बात करोगे तो यू की बात छोड़ दो, दिस इज टी एंड दिस इज एम एंड वी। सेकेंड वाले टाइप में देखते हैं, आरएच को हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ऑलरेडी फ्रेंड्स वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ यूजफुल सॉइल रिएक्शन फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ सॉइल रिएक्शन फोर्स आरएच। आरएच हैज टू कंपोनेंट, अ कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल इज कॉल्ड एल, अ कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल इज कॉल्ड साइड थ्रस्ट। ओके साइड फोर्स, तो साइड फोर्स आपका हो गया एस, दिस इज डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। ओके एंड डियर स्टूडेंट्स, फेस इज मेकिंग एंगल ऑफ डिस्क एंगल फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। ये जो फेस है, दिस इज फेस एंड फेस हो गया ना, एंड फेस इज मेकिंग दिस एंगल थीटा डी फ्रॉम लाइन ऑफ ट्रेवल, दिस एंगल इज कॉल्ड डिस्क एंगल, है कि नहीं, दिस इज डिस्क एंगल। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आर एच, कोई दिक्कत नहीं है, आर एच के फिक्सिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज आर एच। आर एच हैज टू कंपोनेंट, वन कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, वन कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल अलोंग ट्रेवल इज कॉल्ड एल, दिस इज एल। इसको हम लोग एल बोलते मेरे भाई, इसको एल बोलते। फिर से देख, दिस इज आर एच, दिस इज लाइन ऑफ ट्रेवल। मैं अलग से भी ड्रॉ करके बताऊंगा, चिंता ना कर, दिस इज लाइन ऑफ ट्रेवल। इट्स कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अलोंग ट्रेवल, लाइन ऑफ ट्रेवल इज कॉल्ड एल, एंड इट्स कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ ट्रेवल इज एस। दो कंप्लीट हुआ, एस एस एंड एल कंपोनेंट हुआ, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट ऑफ आर एच एंड दिस इज लैटरल कंपोनेंट ऑफ आर एच। ये आर जो है ना सॉइल रिएक्शन फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आर एच, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ सॉइल रिएक्शन फोर्स। ऑलरेडी हमने डिटेल में बता दिया है मोड वोल्ट प्लाउ में, बहुत पढ़ाया हूं मोड वोल्ट प्लाउ। ओके तो ये है हमारा आर एच, है इसके दो कंपोनेंट अलोंग द लाइन ऑफ ट्रेवल एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ ट्रेवल। तो एल एंड एस के मामले में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके
अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इस आरएच को मैं कोरिलेट करने जा रहा हूं टी एंड यू से। टी एंड यू से हमें रिप्रेजेंट करना है, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने जा रहा है। जो वर्टिकल कंपोनेंट है फ्रेंड्स, उसको अगर हटा दूं मैं, वर्टिकल कंपोनेंट को अगर मैं हटा दूं, ये वाले कंपोनेंट को, इसकी देखो लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ऐसे फेस में ही आइए, दिस इज एक्टिंग इन द फेस, वी इज एक्टिंग इन द फेस बट इन इन अपवर्ड डायरेक्शन, एम इज एक्टिंग इन द फेस लेकिन ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, एंड दिस इज टी, यही सब तो गेम है, दिस इज टी एंड दिस इज एम, हॉरिजॉन्टल कौन प्लेन है, यही तो प्लेन है। सो फ्रेंड्स एंड दिस इज, ये है आपका जो ना वी, ये वी है आपका, दिस इज वी, वी इज वर्टिकल फोर्स, इट इज नॉट एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। डियर स्टूडेंट्स, अ बिगेस्ट एडवांटेज वी हैव अचीव्ड एट दिस पॉइंट, कहां रे भाई गया, आराम से पढ़ते रहना सब समझ में आ जाएगा। दिस इज टी, मतलब ट्रांस का मतलब जानते हो, यहां 400 बीसी नहीं चलता है, ना चलने देता मैं, दिस इज टी एंड दिस इज एम, बना हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन बना, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस प्लेन इज हैविंग ओनली टी एंड एम, देयर रिजल्टेंट इज 100% आरएच, भेजा उड़ जाएगा, जाके पढ़ लेना नेपटल में, इधर उधर का कंपेरिजन करते हो, नेपटल में जाके पढ़ना, वीके तिवारी सर पढ़ा रहे होंगे डिस्क लाओ, एनपीटीएल वहां पढ़ के आना, वहां की मैं बात कर रहा हूं, बच्चे से कंपेरिजन करता है, वहां कंपेरिजन करके बताना फीडबैक, दिस इज टी एंड दिस इज एम एंड डियर स्टूडेंट दिस इज वी, दिस इज वी, हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है ना इस केवल टी और एम को ही रखेगा, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन इज हैविंग ओनली टी एंड एम, दिस इज हैविंग ओनली टी एंड एम, केवल टी एंड एम को रखेगा, वी इज एक्टिंग लाइक दिस, वी इज नॉट लाइंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो फ्रेंड्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन वी हैव टू फोर्सेस टी एंड एम, टी एंड एम, एम इज एक्टिंग लाइक दिस एंड टी इज एक्टिंग लाइक दिस, डेफिनेटली दिस इज आर एच, बिकॉज आर एच इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ सॉइल रिएक्शन फोर्स, आर एच इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ सॉइल रिएक्शन फोर्स, या आर एच इज कंपोनेंट ऑफ आर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो फ्रेंड्स वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ या कंपोनेंट ऑफ सॉइल रिएक्शन फोर्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, वी हैव इंफॉर्मेशन, उसी को तो हम लोग आर एच बोल रहे हैं, एंड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फर्स्ट वे ऑफ फोर्स रिप्रेजेंटेशन वी हैव टी एंड एम बोथ आर लाइंग इन द बोथ आर रेक्टेंगुलर फोर्सेस, दे आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल एंड बोथ आर लाइंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, वी हैव टू डिफरेंट वेज फॉर फोर्स रिप्रेजेंटेशन बट फोर्स इज यूनिक, चाहे आप जिस वे से उसको रिप्रेजेंट करो फोर्स इज यूनिक, वी हैव, हमने क्या किया आर एच एंड वी में ब्रेक किया, आर एच एंड वी में ब्रेक किया एंड आर एच इज हैविंग टी एंड एम। दूसरा वे क्या है कि हमने जो है ना टी एंड एम भी में ब्रेक किया, यू को हम हटाकर टी एंड एम भी में बोल रहे हैं, देखते चल, हमने क्या किया इन द फर्स्ट वे ऑफ फोर्स एक्सप्रेशन ऑन डिस्क प्लाउ, हमने क्या किया फोर्स सिस्टम को बताया कि एक टी लग रहा है और एक एक एम भी लग रहा है, एम एंड वी, एम हॉरिजॉन्टल एंड वी वर्टिकल इन द फेस ऑफ डिस्क, इसी दोनों का रिजल्टेंट यू है, तो यू को भूल जाए अब एम वी से बात कर, एक टी लग रहा है एंड एम वी लग रहा है। डियर स्टूडेंट्स,
दूसरा जो फोर्स का रिप्रेजेंटेशन वे है उसमें हमने बोला इन द सेकेंड वे ऑफ फोर्स रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट वे एक्चुअल में जो है ना मेरा वो सॉफ्टवेयर जो है ना आज वर्क करना उसमें थोड़ी सी इस वाले स्लाइड पर सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहा था तो मैंने डायरेक्ट इस वाले मेथड से पढ़ा रहा हूं अभी। कहां गए हो? फर्स्ट वे ऑफ फोर्स रिप्रेजेंटेशन लिखा, अब देखो चीजें समझ में आएगी। इन द फर्स्ट वे ऑफ फोर्स रिप्रेजेंटेशन वी हैव टी और कहा साथ में क्या है एम एंड वी, बोथ आर लाइंग इन द फेस ऑफ डिस्क, इस डिस्क के फेस में है। एक एम ऐसे है देखो डिस्क का फेस और ये ब्लैक जो व्हाइट बोर्ड है इसकी फेस, दोनों पैर दोनों एक ही है ना, ये रिंग जो है इसी फेस में आ रहा है ना, तो एक हमारा ये है और एक हमारा ये है एम एंड वी, इसी दोनों को मिला दिया गया था तो क्या बन गया था दिस इज यू। तो फोर्स सिस्टम क्या था टी एंड यू, टी एंड यू आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन डिस्क प्लाउ, इसी दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं यू बोलते हैं, ये इंक्लाइंड ऐसे एक ऐसे कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट दिस इज यू टी एंड। सेकेंड वे ऑफ फोर्स रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड वे ऑफ फोर्स रिप्रेजेंटेशन उसमें हमने क्या बोला था आर एच एंड वी, ये दोनों को देख के नहीं पता चल रहा है एक्चुअल में ये दोनों जो है ना सेम चीज को बता रहा है ये आर एच एंड टी एम, तो ये चीजें जानना जरूरी है, गेट पर प्रॉब्लम है क्या करोगे इसी दोनों वे से नहीं पकड़ में आ गया कि डेफिनेटली आर एच इज रिजल्टेंट ऑफ टी एंड एम, और मैंने अभी आपको शो करा दिया यस टी एंड एम बोथ आर एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन वी हैव अ सिंगल फोर्स आर एच, इट मींस टी एंड एम आर टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ आर एच, टी एंड एम आर टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ आर एच। देखो ये दोनों को देखो इन द फर्स्ट वे ऑफ फोर्स रिप्रेजेंटेशन ऑन अ डिस्क प्लाउ वी हैव टी एम वी, एम वी आर टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ यू, वी हैव ब्रोकन यू इंटू एम एंड वी, तो हम इसमें बात करें तो ज्यादा क्लियर दिखेगा। इन द सेकेंड वे ऑफ फोर्स रिप्रेजेंटेशन ऑन अ डिस्क प्लाउ वी हैव ऑप्शन आर एच एंड वी horizontal component, that is the this is soil reaction force in horizontal plane and this is a vertical force, this provides support to plow, otherwise andar chala jayega na, ghuste chala jayega, niche se support chahiye, to ye to rahega hi rahega। Dear students, dono way hai hamare paas, to in dono ko agar dhyan se dekha jaye to 100% pata chal raha hai this RH is resultant of T and M, tabhi jaakar dono force system एक ही सिस्टम को शो करेगा, दिस फोर्स सिस्टम विल शो अ सिंगल सिस्टम, तभी एक को ये रिप्रेजेंट करेगा, ये चीज आपको ध्यान में होना चाहिए। मजा आ रहा है कि नहीं बोलो, अरे आया आना चाहिए, इसका मतलब हमें अब शो करना है आर एच इज द रिजल्टेंट ऑफ थ्रस्ट फोर्स एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रेडियल फोर्स, M is horizontal component of radial force, V is vertical component of radial force, similar you will see in the problem, get problem, M is horizontal component of radial force U, V is vertical component of radial force U, dear students this is RH in the second way of force representation and it is the component of soil reaction force, component of 3D soil reaction force in horizontal plane, यस अब ये हो गया। टी इज एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ डिस्क, तो हमने टी एम बी को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट किया एंड देन हमने आर एच एंड वी को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट किया, ओके एंड देन पाया हमने कि यस यहां दिख रहा है अगर इफ बोथ सिस्टम फोर्सेस सिस्टम्स आर रिप्रेजेंटिंग अ सेम सिस्टम इट मींस आर एच ये दोनों का रिजल्टेंट होना चाहिए एंड दीज टू आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, टी एंड एम आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, इट मींस आर एच विच इज रिजल्टेंट ऑफ टू परपेंडिकुलर फोर्सेस, इट मींस डियर फ्रेंड्स आर एच हैज टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट टी एंड एम हैज
component T and M have a resultant RH. So friends, RH is equal to T square plus M square. ये कभी ना भूलना सब. तो ये चीजें दिखना चाहिए. Yes, दिखा दिया ना. Yes, दिया है friends. This is T and this is M. And these two forces are lying in the same horizontal plane. And RH is the, in another way of force expression, RH is component of soil reaction force in horizontal plane. And this is horizontal plane. In the first way of force representation, T and M are horizontal forces and they are perpendicular to each other. And definitely RH, which is representative of these two forces. So, ye aapka ho gaya T square M square. तो इस तरह से चीजें जो है ना आपके माइंड में घुसे होने चाहिए, तब मजा आएगा. तो आरएच के पास ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था ना, हम लोग ने क्या देखा है, भाई कंफ्यूज हो गया क्या ये, इसका इरेजर काहे नहीं काम करने लगा. हाँ बंद कर दिया, चलो कोई बात नहीं. काम कर गया. यस फ्रेंड्स, मेरे भाई मेरे दोस्त, यहां मैं इसको विजुअल करा दिया था पूरी तरह से, फिर उसके बाद यहां मैं आपको करा रहा था विजुअल. ये क्लियर हो गया. आरएच के पास दो कंपोनेंट होता है अलोंग द लाइन ऑफ ट्रेवल, अलोंग द लाइन ऑफ ट्रेवल एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ ट्रेवल. दीज आर वेरी क्लियर टू अस फ्रॉम मोल्ड बोर्ड प्लाव कॉन्सेप्ट. एल एंड एस ये अलग है, अलोंग द लाइन ऑफ ट्रेवल परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ ट्रेवल, ये जानना जरूरी है. क्योंकि ये एस जो है ना, यही आपका फरो व्हील जो पीछे पीछे चल रहा है, वही इसको एब्जॉर्ब करेगा, वही इसको सपोर्ट देगा. अदरवाइज जो है ना, ये लेटरल डायरेक्शन में मूव करना चालू हो जाएगा, बिकॉज प्लाव इज नॉट मूविंग इन लेटरल डायरेक्शन. तो ये चीजें आपका क्लियर हुआ, और ये हमारा एल है. तो आर एच जो है ना, खुद एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर तो है ही, साथ में एक और नया तमाशा खड़ा हो गया, एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर भी है ये, क्योंकि ये अप्रोप्रिएट है जानना इस टॉपिक में. तो अब आइए सबको रिप्रेजेंट कर देते हैं एक ही वाले में, बस इतना ही मेन है, बाकी छोड़ दीजिए आप. ये कल क्लियरली मैं दिखा दिया था, और ये भी जो है ना आपको कंपोनेंट दिखा दिया. आर एच इज रिजल्टेंट ऑफ एल एंड एस, एल एंड एस. RH is also resultant of M and T. वो सब कुछ दिखा दे रहा हूं, आपका जो है ना डाउट सारा क्लियर हो जाएगा. देखिए कोई दिक्कत नहीं है. अब जो है ना, उस समय हमने क्या किया था, दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ डिस्क, जिसमें आपका ये M था और V. तो इस बार ऐसे होगा, ये हमारा M था, दिस इज M, दिस इज V, दिस इज M, this is T, okay, this is T and this is M. Dear student, this is RH. अभी जस्ट बताया ना, चीजें जो है ना आपको क्लियर होना चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो क्लियर होना चाहिए. आप इंजीनियर हो, धोखेबाज से बच के, और धोखे में भी नहीं होना चाहिए आपको. M and this is T. ओके देखो ना, ये रिजल्टेंट है. सो दिस इज टी, दिस इज टी, ओके दिस इज टी एंड दिस इज एम. आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, अब दिखेगा रिजल्टेंट. दिस इज टी, दिस इज एम. तो जैसे भी बना लो आपको, एंड दिस इज आर एच. ऐसे करते हैं ना रिजल्टेंट, दिस इज टी, दिस इज एम एंड दिस इज आर एच. तो जैसे जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ लो, जैसे समझना है वैसे समझ लो. तो यहां से आपका वो क्लियर हो. अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको टिल्ट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लाइन ऑफ ट्रेवल भी दिखाना है. तो अब थोड़ा सा टिल्ट कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, मेरे भाई मेरे बंधु, एम जो है ना इसी में लगेगा, इसमें तो कोई फेस में ही लगेगा. यही तो किस चीज क्लियर करना था हमें, मतलब आपको जो है ना स्टार बनाना था आपको, इसी पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करके. क्या आपको मजा लग रहा है, यहाँ क्या जो है ना धोखाबाजी हो रहा है क्या, कोई है सीरियस, आपके भविष्य से रिलेटेड जो है ना इस ऊपर डिस्कस की जा रही है.
है, जाके पढ़ो तो कहीं मोड वोड डिस्क पलाओ, मोड वोड पलाओ, समझ में आएगा तो बताना हमको। क्या लगता है कहीं पढ़ा लिखा हुआ था, हम पढ़ के आए हैं और सीधे पढ़ा रहे हैं? ये सबको स्वप्न में जो है ना ऊपर वाले की कृपा से सबको रिजॉल्व किया था मैंने। कितना माथा फेची होता था तब जाकर जो है चीजें सब ओपन होती थी। आपको क्या लग रहा है, ऐसे फ्री में दिख रहा है? हाँ, अब आपके पास चला जाएगा आसानी में, ये चीज है। दिस इज एम, ठीक है, दिस इज एम एंड दिस इज टी, है ना, ऐसे फेस के परपेंडिकुलर एंड है ना, ये इस तरह से फेस के, देखो इसको जस्ट उठा देंगे तो ये लाइन वाइज इधर आ जाएगा और ये एम, एंड फ्रेंड्स दिस इज आर एच, ठीक है, ठीक है। नून रोटी खाएंगे लेकिन आईआईटी जाएंगे, यही है, दिस इज टी एंड दिस इज एम। अब चलो इसको कैसे सेटिंग किया जाता है, दिस इज एम, दिस इज टी, दिस इज एम, दिस इज टी, जैसे भी करो सब चलेगा। दिस इज एम, दिस इज दिस वेक्टर इज टी एंड दिस इज रिजल्ट। देखो तो ये है एम टी, ऐसे एम टी आर एच, या ऐसे ऐसे देखो एम टी आर एच, क्लियर? तो ये बक्सा क्लियर हुआ आपका, एक बक्सा आपका जब क्लियर हो गया तो सब क्लियर हो जाएगा मेरे बंधु मेरे भाई। ये हमारा लाइन ऑफ ट्रेवल हो गया, ऐसे जा रहा है, एंड दिस इज डिस्क एंगल, है ना, फेस और लाइन ऑफ ट्रेवल के बीच का एंगल जो हमारा डिस्क एंगल है। इधर हमारा एम हो गया। फ्रेंड्स अब मैं बात करता हूं, ये एम, दिस इज टी, दिस इज एम टी, और ये आर एच है, क्लियर? आर एच है टू कंपोनेंट, दिस लेंथ इज एल, ओके, एंड दिस इज आर एस के पास दो कंपोनेंट, आर एस तो फाइंड आउट हो गया ना एम एंड टी के हेल्प से। अब इसको और सजाते हैं, अब देखो इसके दो कंपोनेंट लो अलोंग द लाइन ऑफ ट्रेवल, अलोंग द लाइन ऑफ ट्रेवल एल परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ ट्रेवल, वो क्या हो जाएगा एस, वेक्टर का निशान देख एल, देन रिजल्टेंट आर एच, ऐसे होगा एस हो गया। इट मीन्स अब इसको यही यहां पर दिखाया था मैंने, यहां पर दिखाया था, क्या दिक्कत है आपको, एस दो कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये देखो ये और ये दो कंपोनेंट। तो इस तरह मेरे बंधु अब आपके पास जो है ना दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि जो इस पर बेस्ड प्रॉब्लम के साथ आपके साथ जो है ना धोखा खड़ी खड़ा कर दे, कोई भी नहीं। आपके स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा हूं, आपके स्टैंडर्ड से ऊपर भी बहुत चीजें हैं, लेकिन आपके स्टैंडर्ड तक जिसको आप प्रिपेयर कर रहे हैं गेट के लिए, वो आपके साथ धोखा नहीं करेगा। अब चल एम हो गया, टी हो गया, ऐसे ही होता है ना, एम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ रेडियल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कंपोनेंट ऑफ रेडियल फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, बोथ आर लाइंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, लेकिन ये कंपोनेंट ऑफ यू इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसको बोलते हैं अगर इफ यू से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज दिस, द कंपोनेंट ऑफ यू रेडियल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड एम, कंपोनेंट ऑफ इन वर्टिकल डायरेक्शन इज कॉल्ड वी। सो फ्रेंड्स अभी ये उठाकर दिखाया था मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले, तो ये आपका एम है, ओके, एंड दिस इज टी, ऐसे एक और था, दिस इज लाइन ऑफ ट्रेवल, दिस इज लाइन ऑफ ट्रेवल, एल ओ टी लाइन ऑफ ट्रेवल,
डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ ट्रेवल। बहुत आसान है, मतलब कि मत कहना कि सर जो ना आपने मजेदार नहीं पढ़ाया। अरे हम 50 तरीका रहे, जब डेवलप मैं ही किया हूं इसको तो कितने तरीका से पढ़ना चाहोगे। इस डायग्राम को जब मैंने ही जो इसको ओपन किया अपने तरफ से अपने तरीके से, तो जीरो मेथड से कहेगा उसमें दिखा दूंगा, लकड़ी से कहेगा लकड़ी से दिखा दूंगा, पेन से कहेगा पेन से दिखा दूंगा, कहीं से भी शो कर दूंगा। मजाक थोड़ी ना है मेरे बंधु। ये देखिए ऐसा सिस्टम है। अब आइए, आपको पता है एम एंड टी का जो रिजल्टेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, आर एच। एंड आर एच हैज ऑल्सो टू कंपोनेंट, वन इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल एंड अदर परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये आपका जो है ना साइड फोर्स होता है। डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल के परपेंडिकुलर इज द साइड फोर्स एंड दिस साइड फोर्स इज एब्जॉर्ब्ड बाय फॉरवर्ड व्हील। तो दोस्त मेरा एक ये एल होगा इसमें और इसमें एस होगा। तो दिस आर एच इज रिजल्टेंट ऑफ एल एंड एस, बट दिस टू रेक्टेंगुलर फोर्सेस आर एक्टिंग इन अ पर्टिकुलर वे। आर एच इज ऑल्सो रिजल्टेंट ऑफ एम एंड टी, बट दिस आर एक्टिंग इन अनदर वे। वी हैव टू वे टू एक्सप्रेस फोर्सेस ऑन दिस प्लाउ। इन वन वे आर एच इज रिप्रेजेंटिंग रिजल्टेंट ऑफ एम एंड टी, हियर टी इज एक्टिंग पैरेलल टू द डिस्क एक्सिस, एम इज एक्टिंग इन द फेस ऑफ डिस्क इन ऑर्डर टू रोटेट, दिस इज हेल्प टू रोटेट द डिस्क। और ये जो है ना आपको बियरिंग के द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये दोनों इंपॉर्टेंट था, बिकॉज दिस कंपोनेंट इज रोटेटिंग द डिस्क, क्योंकि ये सेंटर से थोड़ी पास कर रहा है, सेंटर से नीचे से पास कर रहा है। सो ये कंपोनेंट इस डिस्क को रोटेट करेगा। ओके, और ये तो आ रहा कटिंग से आ रहा है, और इसकी जानकारी मुझे इसलिए चाहिए, दिस इज टी, बिकॉज वी हैव टू यूज अ पर्टिकुलर स्ट्रेंथ ऑफ बियरिंग टू माउंट दिस डिस्क ऑन स्टेप एक्सल, इसलिए जरूरी था। सो दिस रिप्रेजेंटेशन टी एंड एम आर यूजफुल एंड एल एंड एस आर ऑल्सो यूजफुल, बिकॉज इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल वी रिक्वायर द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन ऑर्डर टू कैलकुलेट पावर रिक्वायरमेंट। डीबीपी के लिए हमें चाहिए ये एल, ड्राफ्ट है, दिस इज इधर कंपोनेंट जो है ना हमें बताएगा ड्राफ्ट, ड्राफ्ट कैलकुलेशन। सो लाइन ऑफ ट्रेवल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ ट्रेवल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी हैव टू डिजाइन फॉर व्हील अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट ऑफ force in that direction perpendicular to the line of travel is s component, this is the component. So these are important for operation point of view, strength point of view. To isliye jo hai na dono mein humko break karna hoga, but force to ek hi hoga na, usko aap alag alag direction alag alag rectangular component system mein break kar rahe hain for different requirement, like for draft requirement we need component of force in the direction of travel. ओके, बियरिंग की स्ट्रेंथ डिजाइन के लिए मुझे चाहिए बियरिंग जहां पर ये डिस्क लगा हुआ है उसके एक्सिस के लॉन्ग, ऐसा नहीं ना कि बियरिंग से बाहर कर दिया, थ्रस्ट फोर्स हमें जानना था, रोटेशन जरूरी थी, रोटेशन ऐसे रोटेशन हो रही थी ना एक्सिस के अबाउट, इसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रही थी ना, कौन रोटेट कराएगा, दिस एम इज एक्टिंग लाइक दिस, ये रोटेट कराएगा, बिकॉज रोटेशन इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज प्रोवाइडिंग एडवांस टेजियस सिचुएशन ऑफ दिस डिस्क प्लाउ ओवर एमबी प्लाउ, अदरवाइज ये भी झंडू रहता, क्या मतलब था, इससे बेकार हो जाता, उससे अच्छा एमबी प्लाउ। फ्रेंड्स ये है सिस्टम, अब कभी जो ना दिक्कत ना करना, आप लोग बड़े अच्छे से हमेशा डायग्राम ऐसे ही बनाना, दिस इज लाइन ऑफ ट्रेवल कंपोनेंट ऑफ आर एच एलॉन्ग लाइन ऑफ ट्रेवल एल, कंपोनेंट ऑफ आर एच परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ ट्रेवल एस, एंड अनदर वे दिस इज एक्टिंग इन अ फेस, लेकिन थोड़ा सा सेंटर से अवे होगा, सेंटर से पास नहीं करा होगा, सेंटर से नीचा होगा, ये एम ऐसे एक्ट कर रहा है। ओके, एंड दिस इज टी परपेंडिकुलर टू द फेस, टी फेस परपेंडिकुलर टू द फेस, ये फोर्स सिस्टम की अलग रिक्वायरमेंट है, इसकी अलग रिक्वायरमेंट है, आर एच ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही है, एल एस एम एंड टी। डियर स्टूडेंट, यहां से जो ना आर एच सबके साथ अपना प्रेम संबंध स्थापित कर सकता है। आर एच इज एम एच एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, आर एच इज ऑल्सो एल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। रटोगे घंटा ना सॉल्व होने वाला है।
आगे बढ़ते हैं मित्रों। ये जो फोर्स की रिप्रेजेंटेशन है इसकी जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसके बिना जाने हमारे सारे कोई मतलब नहीं है। वही ये दिस इज आर एंड इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर एच, दिस इज जनरल आर, थ्री डी आर एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर एच। आर एच हैज टू कंपोनेंट, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट एंड दिस इज लैटरल कंपोनेंट। ये आर एच है आपका, इस आर का जो है ना, एंड इसी आर ए का एक वैल्यू जो है ना ये है वी। ओके, तो हमने क्या डिफाइन किया था, आर एच एंड वी, सेकेंड फोर्स सिस्टम। इस आर को दिस इज यूजफुल सॉइल रिएक्शन फोर्स आर, दिस इज यूजफुल सॉइल रिएक्शन फोर्स आर, इट इज एक्टिंग लाइक दिस, नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है। ओके, इट इज एक्टिंग लाइक दिस, इट हैज टू कंपोनेंट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन आर एच एंड इट हैज कंपोनेंट लाइक दिस वी। तो ये आपका वी हो गया। तो आर एच एंड वी इज वन वे टू एक्सप्रेस फोर्सेस एक्टिंग ऑन, और ये जो है ना इसमें थोड़ा कपल, इसमें जो है ना आपका डिस्क प्लाउ रोटेट करेगा ऐसे अगर है ना, इस तरह से और इस तरह से है और रोटेट करते हुए आगे की तरफ, रोटेट करते हुए आगे की तरफ जा रहा है, तो ये ऐसे टर्न होने का चाहेगा। इट मीन्स इफ वी व्यू फ्रॉम रियर साइड देर इज ए कपल, देर इज ए रोटेशनल इफेक्ट एक्टिंग ऑन द डिस्क अबाउट लाइन ऑफ ट्रेवल, ये लाइन ऑफ ट्रेवल से चाहेगा ऐसे पलट जाए, तो उसी को ये शो करने के लिए मैंने ये कपल दिखाया हूं, बट हमारे लिए यहाँ पर ये यूजफुल नहीं है। ये देखेंगे ना लेफ्ट साइड से, इफ यू व्यू डिस्क फ्रॉम रियर साइड दिस कपल इज एक्टिंग इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन, इट विल ट्राई टू रोटेट डिस्क प्लाउ लाइक दिस, है ना, इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन ऐसे रोटेट करना चाहेगा, बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर, ओनली वी नीड टू थिंक अबाउट आर इज एक्टिंग लाइक दिस, इट हैज टू कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आप दिस एमबी प्लाउ में बहुत डिटेल से देखो, दिस इज आर एच एंड फ्रेंड्स दिस इज वी। सो इन द सेकेंड वे ऑफ फोर्स एक्सप्रेशन आर एच एंड वी हमने लिया था, आर एच हैज टू कंपोनेंट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, दिस इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन ट्रेवल, एल एंड एस, एल एस। ओके, तो वही चीज है, बाकी एंगल वही चीज है। This R is making theta not from horizontal axis, so RH is R cos, वो सब चीज ऑलरेडी मैं कर चुका हूं ना, ये नया नहीं हमारे लिए। ओके, RH is making alpha not from line of travel RH, तो L आपका जो क्या हो जाएगा RH cos alpha, बाकी वही सेम चीज है, समय बर्बाद हो रहा है। S आर एच साइन अल्फा नॉट एल एस, कंपोनेंट से भी आप जो है ना आर एच को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई हमारे लिए बहुत बड़ा बिगेस्ट अचीवमेंट नहीं होने वाला, ऑलरेडी रिपीटेड टाइम्स कोई चीज को बार बार बोलना बेस्ट नहीं है। एम बी प्लाउ में सारी चीजें डिस्कस किया गया है, वो सारे एंगल यहाँ पर दिया हुआ, टोटल एम बी प्लाउ में डिस्कस किया हुआ है। हो सकता है एम बी प्लाउ यूट्यूब पर नहीं होगा, तो हर चीज यूट्यूब पर नहीं होगा तो हम खुदे नहीं यहाँ होते, कुछ चीज YouTube पर नहीं है तभी मैं यहाँ पर हूँ, यानी ट्रांसजी के वेबसाइट पर होंगे जो प्रोटेक्टेड है, उसके एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड है, वही यू को जो ना दिखाया गया विड्थ ऑफ कट। समाप्त कर देता हूं, इसको छोड़ूंगा ही नहीं आज, विड्थ ऑफ कट। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ओरिएंटेशन, हियर इट इज शोइंग टिल्ट एंगल थीटा टी, ओके, फ्रॉम वर्टिकल टिल्ट एंगल, दिस इज स्विंग टिल्ट एंगल, थोड़ा सा इधर झुक दे दो, उसको मैच ना कराओ, इसको मैच कराओ, ये आपका एंगल है टिल्ट एंगल, ये आपका डेप्थ ऑफ कट है, दिस इज डेप्थ ऑफ कट वर्टिकल डिस्टेंस। लेकिन आप देखोगे कि इसको जितना आप टिल्ट करोगे ना, विड्थ ऑफ कट उतना ही बढ़ता जाएगा, फॉर द सेम डेप्थ ऑफ कट, दिस इज द डेप्थ ऑफ कट, यानी दिस इज वर्टिकल डेप्थ अप टू विच इट्स बॉटम एंड पॉइंट इज इंसर्टेड इनटू ग्राउंड, ये इतना फिक्स रहने दो, इसको केवल तुम रोटेट करो
तो रोटेट करोगे तो क्या दिखेगा, अब क्या बन जाएगा ये, जगह इधर काम नहीं होने दे रहा है ना ये। अब देखो अब कहाँ टच कर रहा है, कहीं इधर टच कर रहा, मतलब कि इनिशियली जो है सेंटर से नीचे है अभी। यहां मैं अलग से ही ड्रॉ कर ले रहा हूँ फ्रेंड्स, ओके। सेंटर को मार्क करना जरूरी है। अभी ये पर्टिकुलर टिल्ट एंगल जो है ना फॉर्म कर रहा है, दिस इज थीटा टी। अगर और टिल्ट और सपोज कीजिए इतना डेप्थ है, दिस इज इतना जो है ना डेप्थ ऑफ कट है। अगर इसको जो है ना मैं और टिल्ट किया, तो कहां पर आ गया, इस पॉइंट पर आ गया, थोड़ी सी देखिए आगे बढ़ गई। तो जितना ही देखो आगे बढ़ा ना ये, अब इतना ही डेप्थ सॉयल का जो जो लेयर है, टॉप मोस्ट जो सरफेस है सॉयल का, जो सरफेस है बाहर की तरफ, वो अब इसके इसे फार डिस्टेंस पर जो है ना इंटरसेप्ट करेगा प्लाव को। डियर स्टूडेंट्स, ये जितना ही ज्यादा जाएगा विड्थ ऑफ कट अप टू सेंटर, विड्थ ऑफ कट क्या होता जाएगा, बढ़ता नहीं जाएगा। इसलिए ये जानना जरूरी है। हाई हाई हाई, क्या है भैया, कैंसिल हो जा, हैंग हो गया क्या? क्लियर? तो कैसे बताया ना कि जितना आप टिल्ट करोगे जो सॉयल की जो सरफेस है वो डिस्क के कांटेक्ट में और ऊपर की तरफ आता जाएगा। हाँ समझे मेरे भाई, यस। तो ये क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ कट भी बढ़ते चली जाएगी कि नहीं, बिकॉज इतना वाला पोर्शन जो है ना आप काटेगा, विड्थ ऑफ कट बढ़ेगा। सो विड्थ ऑफ कट इज डिपेंडिंग अपॉन दिस, ओके। ऐसे डियर स्टूडेंट्स, अगर इसको मैं टिल्ट कर दूं डिस्क एंगल प्रोवाइड करने के लिए, तो अब विड्थ ऑफ कट क्या हो जाएगा, ऐसे में क्या है, दिस इज मैक्सिमम विड्थ ऑफ कट। सपोज कीजिए जो है ना दिस इज मैक्सिमम विड्थ ऑफ कट, कहां से कहां तक, जो आपको फरो स्लाइस बनेगा उसका जो ना मैक्सिमम विड्थ कितना होगा, इतना होगा यहां से लेके वहां तक, ठीक है। और विड्थ कैसे, ये डिस्टेंस और इसके बीच के जो डिस्टेंस है ये आपका विड्थ ऑफ कट है। अगर मैं ऐसे कर दूं और ट्रेवल ऐसे हो रही है, तो अब विड्थ ऑफ कट कितना हो जाएगा, कम हो गया। अब केवल जो है ना इसी दोनों के बीच में होगा विड्थ ऑफ कम हो जाएगा कि नहीं, तो थीटा डी जो है ना रिड्यूस करेगा, ये डी जो है ना बढ़ाएगा और थीटा डी जो है ना विड्थ ऑफ कट को रिड्यूस करेगा। थीटा डी प्रोवाइड करना जरूरी है, अदरवाइज रोटेशन ही नहीं होगा। उसे बढ़िया एमबी प्लाव को यूज करते, इसको काहे के लिए यूज करते, रोटेशन ही नहीं है। रोटेशन इज गोइंग टू एड एक्स्ट्रा एडवांटेजेस फॉर दिस डिस्क प्लाउ ओवर एमबी प्लाउ। सो रोटेशन इज इंपॉर्टेंट, इन ऑर्डर टू रोटेट दिस डिस्क वी नीड टू प्रोवाइड दिस एंगल लेस देन 90 डिग्री। दिस इज लाइन लाइंग इन द फेस ऑफ डिस्क एंड दिस इज लाइंग अलोंग लाइन ऑफ ट्रेवल। तो ये हमारा जो है ना 90 डिग्री से कम होना चाहिए, 40 to 45 डिग्री, देन वी कैन सी रोटेशन ऑफ द डिस्क, ताकि जो है ना फ्रिक्शन कम लगे, रोल कर जाए ऑब्स्ट्रक्शन के ओवर, बेटर स्कोरिंग हो, ओके, क्लॉगिंग की प्रॉब्लम लेस हो, स्लाइडिंग प्रॉपर हो। तो ये सारी चीजें जो है ना आपको अचीव करना है, देन वी नीड टू प्रोवाइड ओरिएंटेशन ऑफ डिस्क फेस लाइक दिस, ऐसे देना है भैया, एंड दिस इज द लाइन ऑफ ट्रेवल, ऐसे रोटेट करते चलेगा ये। फ्रेंड्स, तो अभी जो है ना ऐसे ये थोड़ा टिल्टेड है ना, ये आपका जो है ना क्या है, दिस इज एक्सियल डायरेक्शन। तो इसके अलावा ताको तुम ताक के ये डायग्राम बनाओ,
देखना कैसे है, तुम भी जो है ना रोटेट हो लो, अपने आप को जो है ना रोटेट करा लो अपने नजर को ऐसे, और ताको, तो ताकोगे देखो तो ऐसा जो है ना आपको जो सॉयल का जो सरफेस है यहां और यहां पर इंटरसेक्ट करेगा, और ये आपको विड्थ डिसाइड करेगा। आइए इसकी कैलकुलेशन करना है हमें। पहले ऐसे कैलकुलेट कर लेते, ऐसे कैलकुलेट करना है, और फिर ये ऐसे नहीं है, ये रोटेटेड है, रोटेटेड है। तो ये जो लेंथ होगा ना, ये हमें बताएगा कि विड्थ कितना है। इसका डबल जो है ना आपका विड्थ होगा, मतलब ये वाली, ये जो रोटेट कर दिया ना आपने, रोटेट कर दिया, ये ऐसे था तो आपने रोटेट कर दिया, तो ये तो जो ना रोटेट ऐसे आ गया, लेकिन अब जो विड्थ होगी ये होगी विड्थ आपका, इतना ही होगी, अब कम हो जाएगी, यानी टू टाइम्स सी डी प्राइम, टू टाइम्स सी डी प्राइम, ओके है ना। आपने जो ऐसे था तो पूरी की पूरी विड्थ इस्तेमाल हो रही थी, वो ज्यादा था विड्थ ऑफ कट, लेकिन ऐसे कर दिया तो क्या हो गया, अब जो है ना इतना ही बचा। अब कौन, यहां सेंटर से पास करो ना, और इतना ही के बीच में इसका डबल कर लो, यानी कि यही इतना ही चाहिए मुझे, तो ये आपका ये लेंथ का इसका कॉस लगेगा, ये जितना आपने ये मारा है। ये एंगल थीटा डी है, लाइन ऑफ ट्रेवल एंड हॉरिजॉन्टल डायमीटर lying in the face angle between these two line is disc angle and this is 90 degree minus disc angle, okay 90 degree minus disc angle. Dear students, we can find the value of 2 cd to actual this cd cos 90 degree minus थीटा डी, बस अब कुछ ना कर सीडी निकाल लो, मतलब ये सीडी को निकाल लो, सीडी को कैलकुलेट कर ले मेरे भाई। सीडी को कैलकुलेट करना है, वो क्या है, सीडी इज ओडी स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर। ओडी इज द डायमीटर ऑफ डिस्क एंड ओसी इज ओए माइनस सीए एंड सीए इज डी, खत्म। तो या तो जो है ना कभी प्रॉब्लम को ऐसे कर लेना या फॉर्मूला याद कर लेना, बहुत आसान है, दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम, यहीं से डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। कभी हम स्टूडेंट को रेकमेंड नहीं करते हैं कि जो ना गंदी बात करे, गंदी बात नहीं करने का, गंदी बात मतलब जो है ना फॉर्मूला जहां तक पॉसिबल हो बचने का, कुछ नहीं करना भाई, कुछ करना ही नहीं है, ये डायग्राम है, ऐसे गया, इसी को जो है ना ऐसे खड़ा होकर देखना तो यहां तक जो है ना आपको कटा, ये यहां तक जाएगी, ये वही दिखा रहा है, ये टॉप जो विड्थ जो कटा हुआ है वो ये दिखा रहा है। अब उसके बाद इसको ऐसे टिल्ट कर, टिल्ट करोगे तो अब विड्थ ऑफ कट कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, अब इतना ही है। तो कितना कितना से ये एंगल कितना बन रहा है वही पहले पता करो, क्योंकि इतना ही से ये टर्न किया है, कितना से टर्न किया है, इफ वी हैव अ डिस्क एंगल 90 डिग्री माइनस, बिकॉज दिस ये ओरिजिनल था अभी भाई, ऐसे तिरछा हो गया तब तो विड्थ ऑफ कट तो यही होगा ना, ऐसे अगर लाइन, दिस इज लाइन ऑफ ट्रेवल, दिस इज लाइन ऑफ ट्रेवल, तो विड्थ ऑफ कट क्या होगा, इस और इसके बीच का डिस्टेंस, ये वाली गैप होगी। पहले ऐसे था तो ज्यादा था, अब कम हो गया, तो कम हो गया तो कितना कम होगा, आसान है, इसके निकालो इसको, उसका दुगना कर लो, ये क्या है टू सी डी, ये एंगल निकालो कॉस ऑफ, टू सी डी प्राइम, टू सी डी कॉस ऑफ 90 डी माइनस थीटा डी, बस सीडी निकालना है तो सीडी निकालो, सीडी दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, ये कितना है ओ ए माइनस सी ए, सी ए कितना डी, खत्म। आगे देखो सॉल्व किया हूं मैं, देख बंधु मेरे, टू सी डी प्राइम, टू सी डी कॉस 90 माइनस थीटा डी, टू सी डी साइन थीटा डी, एंड फ्रेंड्स फर्स्ट वी कैलकुलेट सी डी, सी डी मैंने क्या बोला था, ओ डी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, सीडी क्या बोला था मैंने, सीडी सीडी ये चाहिए ना, ओडी स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर, एंड ओसी क्या है, ओए माइनस सीए, ओडी स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर, ओडी हमारा डायमीटर है, डायमीटर सॉरी रेडियस, तो रेडियस अपॉन टू डायमीटर अपॉन टू रेडियस दिस स्क्वायर, ओसी ओसी ओए माइनस एसी, ओए माइनस एसी, ओके ओए इज
अगेन रेडियस डी अपॉन टू डायमीटर अपॉन टू माइनस एसी एसी डी अपॉन कॉस थीटा टी। एसी हमें कैलकुलेट करना है, वी रिक्वायर एसी। तो बहुत आसान है चीजें मेरे भाई, मुझे चाहिए एसी। डेप्थ ऑफ कट इज नोन डी अपॉन कॉस थीटा टी। तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर लेंगे, कभी भी अगर भूल गए फॉर्मूला तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर लेंगे। डी अपॉन टू होल स्क्वायर माइनस डी बाई टू माइनस डी अपॉन कॉस, डी अपॉन टू कॉमन बाहर लो, ये आया। अब इसको ले जाकर इसमें डाल दो डियर स्टूडेंट्स। डी इधर से जो है ना टू टू भी कट गया, डी साइन थीटा डी, ये दिस इज डिस्क एंगल स्क्वायर रूट वन माइनस डेप्थ ऑफ कट, दिस इज टिल्ट एंगल। तो आप ये फॉर्मूला याद कर लो या जो है ना अपने से खुद सॉल्व कर लेना, देर नहीं लगेगा सॉल्व करने में। प्रॉब्लम है 2009 का, टू मार्क्स का, इट्स वेरी सिंपल। द डिस्क एंड टिल्ट एंगल ऑफ सिंगल बॉटम डिस्क प्लाउ हैविंग 0.76 मीटर डिस्क डायमीटर, डिस्क डायमीटर इज गिवन, डी इज गिवन, आर 50 डिग्री 25 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स दिस इज डिस्क एंगल एंड दिस इज टिल्ट एंगल, थीटा डी थीटा टी बोथ आर गिवन। पुट करो, खत्म करो, समय नहीं बर्बाद करने का। विड्थ ऑफ द कट ऑफ द प्लाउ इन मीटर पूछ रहा था, दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। अमाउंटेड डिस्क प्लाउ हैज टू डिस्क एंड इज ऑपरेटिंग एट अ डिस्क एंगल ऑफ 40 डिग्री एंड टिल्ट एंगल ऑफ 18 डिग्री। ओके, तो डिस्क एंगल आपका गिवन है और टिल्ट एंगल गिवन है। द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन इज 15 सेंटीमीटर, इच डिस्क एक्सपीरियंसेस अ थ्रस्ट फोर्स टी, थ्रस्ट फोर्स इज गिवन, टी इज गिवन 2400 न्यूटन, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, वी नो, जानते हैं हम लोग, बताने की आपको जरूरत नहीं है। एंड रेडियल फोर्स एक्टिंग अलोंग द प्लेन ऑफ द डिस्क। ओके, रेडियल फोर्स आगे पढ़ते, द हॉरिजॉन्टल कम, द रेडियल फोर्स एक्टिंग अलोंग द प्लेन ऑफ डिस्क, हाँ पता है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एम ऑफ रेडियल फोर्स, क्वेश्चन में सिंबल तक दे दिया है, मतलब समझ में आया, आई एम यूजिंग द सिंबल सेम ऑफ गेट, सेम सिंबल यूज कर रहा हूं, समझ में आ गया। तो मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, परपेंडिकुलर कंपोनेंट टी इज गिवेन एंड रेडियल कंपोनेंट यू हैज ऑल्सो सम इंफॉर्मेशन इन दिस प्रॉब्लम। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एम ऑफ रेडियल फोर्स इज दिस, सिंबल के साथ प्रॉब्लम में दिया हुआ है। कहोगे सर ये किस बुक से ये क्वेश्चन सेट किया होगा, यस ये क्वेश्चन इस बुक से सेट किया गया है बिकॉज दिस बुक इज यूजिंग सेम सिंबल, समझ में आ रहा है दिस बुक। कहेंगे सर मैं खरीद लूं ये बुक, पैसा बर्बाद होगा, खरीद के देख लीजिएगा, ट्राई करके देख लीजिएगा, वो फंड जो है ना आप ट्रांसिजी में जमा कर देना अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो, सब पैसा बर्बाद होगा, दिस इज नॉट फॉर बिगिनर, स्टूडेंट के लिए है ही नहीं है ये सब जो है ना, आईटी में पढ़ाया जाता है, पढ़े जाते हैं बच्चे, या टीचर के लिए है ये, और सारे टीचर के लिए नहीं है। ट्राई कर लेना, मैं अगर बोलता हूं गलत तो ट्राई कर लेना, मेरे पढ़ाने के बावजूद भी तुम लोग डिस्प्लाउ पढ़ना है इसको, मैंने यहीं से डिकोड किया है सबको। ट्राई करके हमें मैसेज कीजिएगा कि सर जो है ना बुकवा में समझ में आ गया, पैसा बर्बाद करना है तो अपने शरीर पर कीजिए, खाने में खा लीजिएगा, 250 रुपया जो भी प्राइस है इसका, दिस इज बट दिस इज वेरी ब्यूटीफुल बुक। डियर स्टूडेंट्स एम इज गिवन एंड अपवर्ड कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स इज, अपवर्ड कंपोनेंट ऑफ दिस रेडियल फोर्स वी इज जीरो, इसको नेगलेक्ट करके चलना है, वेट नेगलेक्ट कर लिया, अदर के तुलना में उसको नेगलेक्ट करने के लिए बोल रहा है जीरो। द ड्राफ्ट कंपोनेंट ऑफ द पुल फॉर इच डिस्क विल बी, ड्राफ्ट ड्राफ्ट कितना होगा, पुल का ड्राफ्ट कंपोनेंट, भाई पुल का ड्राफ्ट कंपोनेंट या ड्राफ्ट आपका रिजल्टेंट ड्राफ्ट आपसे पूछा जा रहा है वो कितना होगा। मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे यार, इस टी को ले जा लाइन ऑफ ट्रेवल में, टी को ले जा एंड एम को भी ले जा लाइन ऑफ ट्रेवल में, दोनों को जोड़ दे, वही ड्राफ्ट है बिकॉज वी नो कंपोनेंट ऑफ आर एच,
component of RH in the direction of travel. वो ड्राफ्ट इस वाले केस में हो जाएगा. अभी तो मोल बोल प्लाव में आपने देखा था थोड़ी सिचुएशन वहां डिफरेंट थी. तो यहां पर कंपोनेंट ऑफ आर एच इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल वो ड्राफ्ट देता, एल देता, एल ही केवल लग रहा है यहां पर, ठीक है. तो मेरे भाई यहां तो आर एच दिया नहीं है भाई, आर एच नहीं दिया, टी एन एम दिया है ना. तो टी एन एम से जो है ना डायरेक्ट निकाल लो. We need to find L and L is the component of RH. RH is not even given in the problem, but it's two rectangular components T and M are given. So या तो आप T and M का individual component ले लो line of travel के लंग खत्म. Dear students, due to टिल्ट एंगल ये देखो टी कैसे लग रहा होगा, सेंटर से नीचे लगेगा, टी कैसे लग, सेंटर कहीं यहां पर है, टी कैसे लग रहा है ऐसे परपेंडिकुलर टू द फेस, ऐसे लग रहा होगा ना, टिल्ट एंगल है. तो पहले जो ना इस टी को प्लेन में लेके आओ, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और ये आपका क्या है, ये जो फेस में लगती है एम, एम ऐसे आ रही है. देखो ये इस डायग्राम के अनुसार देखो, ये एम जो है ना ऐसे डायग्राम ने ऐसे ड्रॉ किया है, ये टिल्ट दे दिया है ना, देखो हमने टिल्ट दे दिया, देखो सब कुछ दिखना चाहिए. तो एम जो है ना डॉट से मैंने रिप्रेजेंट किया, देखो डॉट से यहाँ ये देखो डॉट से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि इधर से फिगर बनाओगे तो कहाँ एम दिखेगा तुमको, इसलिए देखो ये एम को मैंने इसे डॉट से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि ये जो है ना डिस्क के फेस में है और ये थ्रस्ट फोर्स जो है ना, लेकिन टिल्ट होने की वजह से ये भी ऊपर आ गया है, ऐसे आ गया है भैया. आर एच चाहिए, आर एच जो ना इसका ये वाला कंपोनेंट और ये होगा, यानी आर एच यहां पर जानते क्या होगा, आर एच यहां पर जानते क्या होगा, आर एच टी का जो है ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाओ पहले, टी कॉस थीटा टी, टी कॉस, ध्यान से पेशेंस रखिए, चीजें क्लियर कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा आपको. टी कॉस थीटा टी, ये पहले आर एच था ना, ऐसे हो गया था ये, क्योंकि जब ये टिल्ट देंगे तो ये भी ऊपर उठेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू द फेस है, टी टी इज परपेंडिकुलर टू द फेस एंड ड्यू टू टिल्ट ऑफ दिस फेस दिस इज आल्सो रोटेटेड बाय द सेम एंगल, बट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट आर एच इसको ले जाओ प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ले जाओ. अब ये हॉरिजॉन्टल में आ गया एंड ऑलरेडी फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, मेरे भाई बंधु, एम इज ऑलरेडी इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन. नाउ देयर रिजल्टेंट इज, तो ये जो आएगा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये आपका आर एच, ओके, ये आर एच, ओके. अब इस आर एच का डियर फ्रेंड्स लाइन ऑफ ट्रेवल के साथ कंपोनेंट निकाल ले, ओके, लाइन ऑफ ट्रेवल के साथ कंपोनेंट. तो आर एच एंड आर, जो आर एच लाइन ऑफ ट्रेवल से जो एंगल बना रहा है, सपोज उसको मैंने अल्फा बोल दिया, तो क्या हो जाएगा आर एच, दो तरीका है, आप किसी भी तरीके से सॉल्व, RH cos alpha, here alpha is the angle between RH and line of travel, we can calculate, यही आपका दोस्त मेरे भाई L है, L यही है, ओह हो भाग कैसे गयो, चलो RH T cos theta T स्क्वायर, ये हॉरिजॉन्टल बन चुका है, प्लस एम स्क्वायर एंड एल, अभी मैं इसी को ड्राफ्ट बोल रहा हूं, तो ये क्या है आर एच कॉस एंगल बिटवीन आर एच एंड लाइन ऑफ ट्रेवल अल्फा, दिस इज योर आंसर, ओके. फॉर्मेट आपका जो है ना ऐसे दिया हुआ है, तो आइए निकाल लेते हैं उस फॉर्मेट में भी, कोई दिक्कत नहीं है. डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, ये देखो इस डायग्राम को देखो, दिस इज एम, अब एम इसमें लाई करेगा, ऐसे एम है ऐसे, एंड एम ऐसे लाई करेगा, देखते चलो डायग्राम देखो,
एम ऐसे लाई करेगा एंड दिस इज टी, तो इसको उतारो नीचे एंड दिस इज लाइन ऑफ ट्रेवल, ध्यान देना ऐसे ऐसे है ना, क्योंकि ऐसे तो रखते नहीं है, दिस इज द वे एंड दिस इज लाइन ऑफ ट्रेवल। तो लाइन ऑफ ट्रेवल को आप पहले फोकस कर लो, लाइन ऑफ ट्रेवल इज परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड, दिस इज लाइन ऑफ ट्रेवल, परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड, दिस इज लाइन ऑफ ट्रेवल, ओके। एंड फ्रेंड्स दिस इज एम, ये एम है एम, दिस इज ये लाइन ऑफ ट्रेवल, आप रिमेंबर रखिएगा। लेकिन टिल्टिंग होने के चलते जो है ना, ये पहले जो है डिस्क भी इसमें देखो ऐसे था, अगर ऐसे रहेगा ना फेस इज वर्टिकल, टिल्ट एंगल इज जीरो, सो दिस इज एक्सियल डायरेक्शन, बट ये टिल्ट हो गया, थ्रस्ट फोर्स एक्सियल डायरेक्शन में ही हम निकालते हैं क्योंकि हमें बेयरिंग को डिजाइन करना है, तो ऐसे हो गया और फिर ये ऐसे हो गया, पकड़ में आया, देख अभी ऐसे नॉर्मल पोजिशन, दिस इज लाइन ऑफ ट्रेवल, बट दिस इज द नॉट वे इन विच वी ऑपरेट दिस डिवाइस, ऐसे नहीं ऑपरेट करते इसको, हमें इसमें रोटेशन चाहिए तो हम डिस्क देते हैं, थोड़ा विड्थ ऑफ कट बढ़ाएंगे तो जैसे देंगे तो विड्थ ऑफ कट बढ़ेगा। तो दोस्त हमने क्या किया, इसे डाउन किया, अभी ऐसे है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स एंड दिस इज एम, लेकिन ऐसा ऑपरेशन नहीं होती, हमने क्या किया, ये अब थ्रस्ट फोर्स क्या डायरेक्शन देखो, उसके बाद देखो ये, तो देखो हमें कंपोनेंट किधर लेना है, आपको पता है कंपोनेंट किधर लेना है, इस डायरेक्शन में लेना है, यही हमारा ट्रेवल का डायरेक्शन है, यही ट्रेवल का डायरेक्शन है, तो हमें कंपोनेंट लेना है, तो पहले हम इसको उतारते हैं नीचे, तो क्या लिखो टी कॉस थीटा टी आ गया, एंड देन जो है ना लाइन ऑफ ट्रेवल के अलॉन्ग कंपोनेंट लिखते हैं, तो पहले इसको जो है ना हॉरिजॉन्टल प्लेन में उतारते हैं, टी कॉस थीटा टी, टी कॉस थीटा टी उतर गया टी, फिर इसको घुमा के ले जाना है, फिर इसको घुमा के ले जाना लाइन ऑफ ट्रेवल के अलॉन्ग, ये टी कॉस थीटा टी उतर के आ गया। एंड फ्रेंड्स ये क्या है, एक्सिस है, एक्सिस एंड क्या है ये लाइन ऑफ ट्रेवल, ये क्या है भाई, एक्सियल डायरेक्शन है ये, तो ये आपको जो है ना, और देखो ना ये परपेंडिकुलर है ना, ये जो ये, ये, ये इसी का तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये, तो ये परपेंडिकुलर है फेस के, और फेस से लाइन ऑफ ट्रेवल कितना एंगल बना रहा है, थीटा डी, तो इसे कितना एंगल बनाएगा, दिस लाइन एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर, तो इसे 90 माइनस थीटा डी, तो अब इसको घुमा के इधर ले जा, आ गया टी कॉस थीटा टी, अब इसे लेके इधर जा कॉस 90 माइनस थीटा डी, ओके। एंड एम भी लग रहा है, एम का कंपोनेंट ले, तो इधर से भी कर सकते, इधर से भी कर सकते, इधर से करेंगे तो रिजल्ट दे देगा, तो इधर से आप एम कॉस, ये एंगल, ये एंगल कितना लाइन ऑफ ट्रेवल एंड फेस के बीच में, दिस इज थीटा डी, सो फ्रेंड दिस इज एम कॉस थीटा डी, तो यही आपका आंसर है, मैच कर लो जो मैच हो जाएगा। बहुत क्लोज है, हम लोग समाप्त करने, पांच छह मिनट में समाप्त हो गए, कहां भाई, ओके। अ सिंगल डिस्क ऑफ डिस्क हैरो मेंटेन्ड एट डिस्क एंगल ऑफ 19 डिग्री इज टेस्टेड इन अ सोयल बीन, द डिस्क एक्सपीरियंस सोयल रिएक्शन फोर्स, कोई बात नहीं एक्सपीरियंस करने दो, विच हैज थ्रस्ट कंपोनेंट, सोयल रिएक्शन फोर्स हैज कंपोनेंट्स, वन इज थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट फोर्स इज 166 न्यूटन, ओके। एक्टिंग परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क, वी नो डियर स्टूडेंट्स थ्रस्ट कंपोनेंट ऑफ सोयल रिएक्शन फोर्स टी इज ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, इट इज डिजायरेबल इन ऑर्डर टू डिजाइन और टू सेलेक्ट अ बियरिंग माउंटिंग डिस्क, अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ 89 न्यूटन एक्टिंग पैरेलल टू प्लेन ऑफ द डिस्क एंड वर्टिकल कंपोनेंट, बट फ्रेंड्स हियर थ्रस्ट इज गिवन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, सो हियर एम एंड वी बोथ आर गिवेन,
एम 89 न्यूटन, जो पढ़ाता हूं ना, देख लो कैसे पढ़ते हैं, कॉन्सेप्चुअली चीजों को पढ़ेगा तो आधा पढ़ेगा तब तक डेटा निकल के बाहर आ जाएगा हाथ में, ठीक है। तो यहां से ड्राफ्ट फोर्स रिक्वायरमेंट टू ऑपरेट द डिस्क इज, ड्राफ्ट फोर्स निकालना है, ड्राफ्ट फोर्स निकालना है। ए भाई यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, जो चाहिए वो निकाल ले, जो चाहे निकाल ले। ड्राफ्ट फोर्स निकालना है ना, ये आपका डिस्क एंगल गिवेन है, ओके। टिल्ट गायब है ना, एंगल ऑफ टिल्ट 0 है, एंगल ऑफ टिल्ट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बहुत सा तरीका है इसको सॉल्व करने का। एंगल ऑफ टिल्ट नहीं है, अभी जस्ट इसी वाले प्रॉब्लम में तुम ले जाकर जो जो पीछे जो किए हो ना, उसी में थीटा टी 0 पुट कर दो, ओके, काम तमाम। यादर वे है, आर एच कैलकुलेट कर दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आर एच इज एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, आर एच निकल गया। अब हमें क्या करना है, आर एच के निकलने के बाद आर एच और लाइन ऑफ ट्रेवल के बीच का एंगल निकाल लीजिए। ये निकाल लीजिए, दिस इज आर एच, कहे थे ना डायग्राम बहुत यूजफुल है, एंड दिस इज लाइन ऑफ ट्रेवल। आर एच इज टी स्क्वायर एम स्क्वायर, कंप्लीट हो गया, दोनों यूज खत्म, दोनों को गायब करो। अब नाउ वी हैव आर एच ओनली, विच इज रिजल्टेंट ऑफ टी एन एम। वी नीड टू फाइंड दिस एंगल, दिस एंगल इज वेरी क्लियर, दिस अपॉन दिस, और सिंपली ये एंगल फाइंड आउट करना है, या सिंपली दिस अपॉन दिस टेन। ये पूरी एंगल अगर मैं बात करूं, ये पूरी एंगल इस वाले से निकाल लेते हैं, आसान तरीका है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें एम पता है एंड टी पता है, तो हमने आर एस तो निकाल लिया, एंगल भी फाइंड आउट करते, देखिए बहुत आसानी से हमारा वो कैलकुलेट हो जाएगा। और लास्ट प्रॉब्लम है, हमारा लेक्चर फिनिश होने वाला है। दिस इज एम एंड दिस इज टी, ओके, दिस लेंथ इज शूटिंग टी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टी इज दिस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एम इज दिस, दिस एंगल इज वेरी क्लियर। सपोज दिस एंगल इज अल्फा, सपोज दिस एंगल इज अल्फा, एंड टेन अल्फा इज दिस अपॉन दिस टी अपॉन एम, टी एंड एम बोथ आर गिवेन, सो वी कैन फाइंड अल्फा। डियर फ्रेंड्स, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल बिटवीन फेस एंड लाइन ऑफ ट्रेवल इज कॉल्ड डिस्क एंगल। डिस्क एंगल इज क्लियर, दिस इज डिस्क एंगल, वी नीड टू फाइंड दिस एंगल ओनली, सो कैलकुलेटेड एंगल दिस माइनस थीटा डिस्क एंगल इज रिक्वायर्ड एंगल बीटा, एंड वंस वी हैव एंगल बिटवीन आर एच एंड लाइन ऑफ ट्रेवल, देन वी कैन इजिली फाइंड ड्राफ्ट कॉम्पोनेंट ऑफ आर एच इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, आर एच कॉस ऑफ बीटा। आर एच ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड, एंड बीटा हियर 138.19, एग्जैक्ट मैचिंग हो रहा है, कॉन्सेप्ट से लड़ेगा, लर्न करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सब डिफिकल्ट है ना, सबको पता है ना ये डिफिकल्ट टॉपिक है, ओके, डिफिकल्ट टॉपिक। अभी जस्ट हमने ड्राइंग भी फूड प्रोसेसिंग में खत्म किया है, मतलब डिफिकल्ट को देखो उसमें कितना इजी आपको जो है ना कंफर्टेबल जो ना महसूस होता है, दिस इज एक्चुअली ट्रांस, ओके। हाँ, कोई बच्चे को जो है ना दिक्कत था, पूछा था, वो है तो जवाब देता हूँ ना उसको, है अपने पास, डरो मत, मेरे पास है टूल, है वो लड़का कि चला गया जिसने क्वेश्चन पूछा था, वो एक तो पूछना नहीं चाहिए, उससे पता चलता है, या तो वो खुद होगा, एक बार कर चुका है वैसा ही, या तो वो खुद आया होगा क्वेश्चन पूछने, और या जो है ना कोई बड़ा ही मासूम बचा होगा, मासूम बहुत इनोसेंट होगा, या तो खुद होगा, वो खुद भी आता है पूछता है और डिस्टर्ब मिसगाइड करता है बच्चों को, ओके फ्रेंड्स। तो ये सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं, एंड नाउ आई रिमूव दिस वीडियो फ्रॉम द यूट्यूब।